कमजोर शुरुआत के बाद भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से रिकवरी के संकेत, लेकिन अब भी नुकसान बरकरार है। हफ्ते का आखिरी दिन है, बचा है आखिरी डेढ़ घंटा। मजबूती बढ़ेगी, रिकवरी आएगी या फिर रहेगी कमजोरी, लेंगे जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, कहना चाहिए थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, लंबा हफ्ता रहा है, काफी समय बाद पूरा हफ्ता हमने काम करा है, तो फ्राइडे की तो खुशी है। और बाजार भी थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रहा था सर, पर 9300 के ऊपर जाने। हेलो दीप सर, पूरे पांच दिन रहे, पूरे पांच दिन ट्रेड हुआ, लंबा हफ्ता आजकल आते रही नहीं पूरे पांच दिन काम करने की। लंबा हफ्ता हमारे जमाने में होता था दीप, जब सैटरडे संडे को भी काम किया करते थे, लेकिन चलिए अब तो आजकल पांच दिन को भी लोग लंबा हफ्ता मानते हैं। वैसे हाँ, एक चीज जरूर है आपके लिए तो ये हफ्ता मुझे छोटा मानना चाहिए, क्योंकि पहली बार आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, नहीं तो अब तक तो आप ऑफिस आ रहे थे, तो ये वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस कैसा बन रहा है आपका? अब पहले दिन तो सर अच्छा लगा कि ठीक है, थोड़ा घर पे बैठे हैं, काम तो खैर लगभग सेम ही रहता है, बट अच्छा लगा। पर सच कहूं सर, तो ऑफिस की याद आ रही है, जो स्टूडियो में आपके साथ बैठ के करने में मजा आता है शो, और बाकी लोगों के साथ बैठ के काम करने में मजा आता है, वैसा मजा घर पे। ये बात तो सही है, घर पर बस काम चला रहे हैं, वो मजा जो आता है वो स्टूडियो की बात, वो फील और वो कवरेज अलग ही है। चलिए, वो भी बहुत जल्दी दिन देखने को मिलेंगे, ऐसी उम्मीद रखें, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और आज की पांच बड़ी बातें, निफ्टी बैंक 500 अंक अभी भी नीचे है। जी हाँ, कमजोरी है अभी 575 एक्चुअली, बात करते करते थोड़ा और कमजोर हुआ है, और ये ट्रेड कर रहा है 20,700 के भी नीचे। फार्मा शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिला है, वहां लगातार खरीदारी होती दिख रही है, आज भी फार्मा इंडेक्स 2% ऊपर है। रिलायंस, इसकी वजह से निफ्टी में रिकवरी आती हुई दिखी, बाकी बैंक निफ्टी तो कहीं कोई दूर दूर तक संकेत नहीं दे रहा कि इसे सुधरना भी है, लेकिन रिलायंस अकेला अपने दम पर बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, और इसकी वजह से 9200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको निफ्टी। लेकिन एनबीएफसी और बैंक, ये दो हम कह रहे लगातार नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। एनबीएफसी, बजाज जैसी एनबीएफसी, चाहे वो फाइनेंस हो चाहे फिनसर्व, देखिए बड़ी तेज गिरावट के साथ 7% नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में कमजोर शुरुआत हुई है, 1.5% नीचे हैं यूरोप के बाजार, वो भी तब जबकि डाउ फ्यूचर्स सपाट ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में इतना नुकसान नहीं, लेकिन यूरोप बड़ा कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो ये है दीप अब तक की पांच बड़ी बातें। बिल्कुल अनिल जी, और अब आखिरी डेढ़ घंटा है सर, आपसे स्ट्रैटेजी भी जानेंगे 2:30 बजे, और फिर 3:20 पर क्या फाइनल कॉल लेना चाहिए। बहुत सारी ट्रेडिंग कॉल्स भी आएंगी और बहुत सारे रिसर्च फोकस भी रहेंगे, पर सर एक सवाल है मेरा आखिरी डेढ़ घंटे खत्म होने से पहले, क्योंकि हम देखेंगे आखिरी घंटे में एक्शन और बढ़ेगा। एक तो सवाल है कि सर वीकेंड आ रहा है, तो क्या जो पोजिशन कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, तीन हफ्ते की जो एक, या कह सकते हैं कि एक महीने की जो अच्छी रैली रही है मार्केट्स में, अब शायद थोड़ी थकावट के संकेत आ रहे हैं कि नहीं? पर दूसरी तरफ सर, जो एक होप ट्रेड बना हुआ है बाजार में स्टिमुलस को लेकर, कुछ और मेजर्स को लेकर, शायद कोरोना को लेकर, वो अभी भी बरकरार लग रहा है सर, क्योंकि जिस तरह की कल फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड की खबर आई और जो आज का रिएक्शन आया, वो उतना जस्टिफाइड नहीं है। बैंक्स में भी सर गिरावट है, बट उतनी तेज गिरावट नहीं है। तो और आज सुबह मैं एनालाइज कर रहा था सर हमारे गेस्ट से, टोटल हमारे पास 28 कॉल्स आए जिसमें से 24 बाय कॉल्स थे, तो कहीं ना कहीं बाजार में होप ट्रेड बना हुआ लग रहा है सर, और वीकेंड से पहले क्या मुनाफा वसूली आती है, दोनों तरफ से कैसे देखेंगे? इसकी दो वजह है दीप, क्यों आपके 28 में से 24 बाय कॉल आए, इसकी मैं रीजन बता देता हूं। पहली चीज, इंडेक्स अभी भी उतना कमजोर नहीं हुआ है। कौन सा इंडेक्स? निफ्टी। बैंक निफ्टी कमजोर हो रहा है, लेकिन निफ्टी अभी भी कमजोर नहीं हुआ। तो अगर आप एक टेक्निकल एक्सपर्ट है तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं एक इंडेक्स का सेटअप, एक स्टॉक का सेटअप। तो अगर आपको लगता है कि इंडेक्स का सेटअप खराब नहीं हुआ है और इंडेक्स का ट्रेंड ऊपर की तरफ का बना हुआ है, तो फिर आप क्या ढूंढेंगे? वो कॉल्स जहां पर आप स्टॉक्स में कहीं कहीं ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि बाय कॉल्स करें। अगर यही कमजोरी का बाजार है, इंडेक्स गिर नहीं रहा है लेकिन स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो आप स्टॉक्स पे शॉर्ट कॉल ढूंढेंगे। या इंडेक्स बना हुआ है, इंडेक्स भले और ना बढ़ रहा हो, लेकिन इंडेक्स ने कोई अभी तक कमजोरी का संकेत दिया नहीं है। ऐसा नहीं दिया कि जिसमें आप ये कहेंगे निफ्टी में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तेजी का, अगर आपने ठीक सी ढंग सी स्टॉप लॉस लगाई है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में इसलिए जरूरी है। फिर अगर आपका मूड यही खराब होगा ना, तो दीप मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं आप सारी एनबीएफसी ढूंढेंगे, बैंक ढूंढेंगे, कहां शॉर्ट कॉल दूं। और अगर आपका मूड ठीक है तो आप है ना फार्मा स्टॉक्स ढूंढेंगे, कहेंगे अरे एफएमसीजी स्टॉक्स ढूंढेंगे, देखिए यहां पर कहां बाय कॉल्स दें। तो एग्जैक्टली
ट्रेंड वैसा है जो ऊपर की तरफ है, इसलिए आपके लिए बाय कॉल्स ज्यादा आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज बेहद इंटरेस्टिंग दिख रही है जो समझने की बात है, और वो है निफ्टी वर्सेस रिलायंस। 5.5% रिलायंस मजबूत है। ये वो रिलायंस है जो परसों के ट्रेडिंग सेशन में 1167 का लो बनाकर इस वक्त 1450 पर ट्रेड कर रहा है। 1170 मान लें तो आप देखिए करीबन 200 रुपए ऊपर रिलायंस है। 200 रुपए ऊपर रिलायंस है और निफ्टी है 9200। क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन है? क्या ऊपर के लेवल पर इंडेक्स को मेंटेन करके स्टॉक्स में सप्लाई आ रही है? बढ़ने वाले शेयरों की तादाद कम है, कल भी कम थी, आज भी कम है। गिरने वाले शेयरों की तादाद ज्यादा है। तो 2 दिन पहले तक डीप जो हो रहा था बुधवार तक, उसमें और अब 2 दिन में एक बड़ा फर्क आया है। और वो फर्क यह आया है, 2 दिन तक जो खरीदारी हो रही थी, चौतरफा खरीदारी हो रही थी, ज्यादा स्टॉक्स तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो पहला संकेत जो कमजोरी की तरफ आता है वो मार्केट ब्रेथ को लेकर आता है। तो अब इस वक्त बढ़ने वाले शेयरों की तादाद कम है, गिरने वाले शेयरों की तादाद ज्यादा। तो क्या मैं इससे एक डायरेक्शनल कॉल ले लूं कि बाजार टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है? मैं ऐसा करने की जल्दबाजी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि इंडेक्स ने अभी तक कमजोर होने के संकेत नहीं दिए, फिर वो उसे कोई भी बचाए। हो सकता है आज रिलायंस बचा रहा है, कल आईटी बचा ले, परसों कोई बैंक्स बचा ले, ये तो हमें पता नहीं है ना, इंडेक्स को बचाएगा कौन? लेकिन अभी कोई ना कोई तो बचा रहा है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, मैं मार्केट ब्रेथ पर नजर रखूंगा और मैं अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे एक निर्णायक कॉल लूंगा बाजार के डायरेक्शन पर कि क्या बाजार यहां से 10,000 पहले आने वाला है या 8,000 पहले आने वाला है। यह हमें सोचना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़े डायरेक्शन के लिए बाजार तैयार हो रहा है, 9,000 से 9,400 की रेंज में, या 8,900 से 9,400 की रेंज आप गिन लीजिए। ये 500 पॉइंट की रेंज में बाजार वक्त बिता रहा है, ज्यादा लंबे समय तक बिताएगा नहीं। सिमिलर सिचुएशन आपको डाउ में दिख रही है, एक बड़ा मूव आने की तैयारी होगी। अब वो किस तरफ होगा देखते हैं। और एक और चीज, जो कुछ भी एक्शन रिएक्शन कमजोरी मजबूती है, आप रिलीफ पैकेज स्टिमुलस पैकेज पर छोड़ दीजिए। अगर स्टिमुलस पैकेज मीडिया के हिसाब से आना होता ना, तो अब तक कम से कम है ना, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से 25-30 पैकेज आ जाने चाहिए। इतने पैकेजों की लोगों ने बात कर दी कि आज आ रहा है, कल आ रहा है, 24 घंटे में आ रहा है, 48 घंटे में आ रहा है। इस बार मैं फिर कहूंगा दीप, हमने इसमें पूरी परहेज की है। मैंने कहा नहीं, ये फालतू पैकेज ठीक है, बाजार में तेजी हो रही, होने दीजिए, वो अपनी जगह है। लेकिन अरे भाई, किधर पैकेज जा रहा है? आज आपने दोपहर 12 बजे सुब्रमण्यम साहब का इंटरव्यू सुना हो, अरे वो कह रहे हैं भैया क्या आप ज्यादा उम्मीद रखिए मत जी। साफ साफ कहा है उन्होंने कि कुछ बड़ा नहीं आने वाला है। तो मैं इसलिए आपको सुबह भी कह रहा था, पैकेज आए तब भी बिकेगा, ऊपर होने के बाद नहीं आया तो वैसे ही बिकना है। तो पॉइंट सिंपल है, पैकेज की वजह से नहीं, अगर तेजी होनी है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से होनी है। बाकी कोई गलत फहमी मत रखिए, कोई चीज बाजार को नहीं बचा सकती सिर्फ डाउ के अलावा। डाउ मजबूत तो हम मजबूत, डाउ कमजोर तो कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, सिंपल। ओके सर, समझ गए बात। और इस पर पूरा क्रेडिट सर आपको जाता है और स्वाति को जाता है। 2 दिन पहले एक्सक्लूसिव खबर जी बिजनेस पर हमने दे भी दी थी कि पैकेज इस समय तो नहीं आ रहा है, डिस्कशन चल रहे हैं, जब आएगा तब आएगा। पर फिलहाल जो एक्चुअल रियलिटी है उस पर ही फोकस करते हैं। सर, रुपया भी बंद हुआ है, रुपये में भी आज कमजोरी है, 38 पैसे कम हुआ है, कमजोरी से बंद हुआ है 76.45 रुपए पर। तो वहां पर भी एक फोकस है, अच्छी जो रिकवरी आई थी रुपए में, एक बार फिर से वहां पर गिरावट भी आई है। चलिए मानसी से भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जो आज बाजार का फोकस है, आने वाले 2-3 दिनों, हालांकि वीकेंड है पर खबरों का दौर तो जारी रहेगा। बताइए मानसी। जी बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून। नतीजों से ही शुरुआत करेंगे। बाजार आज बंद होने के बाद 90 के नतीजे आने वाले हैं जिस पर नजर है। इसके अलावा हुडको की एक बोर्ड बैठक है, बॉन्ड्स के जरिए ये पूंजी 1500 करोड़ की जुटाने की योजना है कंपनी की, तो इस पर हम फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा रिलायंस कैपिटल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की एक बैठक आज होने जारी है, कल शनिवार है, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नतीजे वायदा बाजार में आने वाले हैं। और साथ ही सोमवार के दिन कुछ एक तमाम कंपनियां हैं, एनएसटी और एफएनओ स्पेस में काफी अहम कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे। इंडसइंड बैंक 1 से 3:30 बजे के बीच निफ्टी स्पेस में ये कंपनी के नतीजे आते दिखेंगे। वायदा बाजार में अंबुजा सीमेंट बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश करेंगी। एचडीएफसी लाइफ वेरिएबल है जिनके दौरान कभी भी नतीजे आएंगे। और साथ ही भारत 22 ईटीएफ की रीबैलेंसिंग सोमवार के दिन होगी, आज एडजस्टमेंट हुए हैं, रीबैलेंसिंग सोमवार के दिन होते हुए दिखेगी। ओके तो ये है आपके लिए वो तमाम इवेंट्स जिन पर आपको नजर रखनी है। ओके,
करें शुरुआत। बंसल जी तैयार हैं? बिल्कुल अनिल जी तैयार हैं, बिगुल की वेट कर रहे हैं, चार्ट कॉर्नर के बिगुल की। चार्ट कॉर्नर का बिगुल एल्गो ट्रेड है या फिर वो बीटीएस डबल टी वाला? नहीं अनिल जी देखिए, सुबह सुबह का आपका पहला प्रश्न था कि तैयारी, अभी तक बंसल जी कुणाल जी की कॉल नहीं आई है, बैंकों पे सेल है कि फार्मा पे भाई है, इस पे चर्चा चल रही है, तो अब एक कॉल सुबह जो आपकी गुजारिश, जो आपकी इच्छा थी वो कॉल आ रही है अनिल जी, प्लेन चार्ट कॉर्नर है एफएनओ सेगमेंट का, तो उसका बिगुल। चलिए तैयार है बंसल जी और कुणाल जी, हम भी तैयार है बिगुल के साथ चार्ट कॉर्नर। बताइए सर क्या बिकेगा? अनिल जी बिकेगा एक्सिस बैंक, सुबह गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, फिर ऊपर नीचे हुआ और अब एक नेगेटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर साइमल्टेनियसली देखने को मिल रहा है, 411 के नीचे एक क्लियर ब्रेकडाउन है, तो एक्सिस बैंक में बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी आज सवेरे आपने इंडसइंड बैंक पर बिकवाली की राय दी थी और वो ध्वस्त हो गया है, और अब ध्वस्त होने जा रहा है एक्सिस बैंक, जिसके 60 मिनट चार्ट्स पर एक पैटर्न बना है जिसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। 410 रुपए के नीचे एक क्लियर ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है और इसमें हम बड़े अग्रेसिव टारगेट्स देने वाले हैं, मौजूदा स्तरों पर बेचें, 410 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें, पहला टारगेट 390 रुपए का और दूसरा टारगेट 382 रुपए का होगा, तो बड़े टारगेट्स के लिए शॉर्ट करें एक्सिस बैंक। ओके, तो ये है आपके लिए राय एक्सिस बैंक पर। एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट मैं फिर से नोट कर लूं। जरा कुणाल जी एक बार जरा मुझे फिर से बता दे, थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्ब हो गया था, मैं कर नहीं पाया। अनिल जी देखिए 410 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है, पहला टारगेट 390 का, 390 रुपीज का पहला टारगेट और 380 रुपए का दूसरा टारगेट है, तो 390-380 के लिए शॉर्ट करना है एक्सिस बैंक। सुबह मैंने आशु सर ने ये एक्सिस बैंक बेचने की राय दी थी, तब 440 वाला पुट ऑप्शन उन्होंने कहा था खरीदिए 36 रुपए में, 400 वाला पुट ऑप्शन बेचिए कुछ शायद 14 रुपए में, हाँ 14 रुपए में, और कॉस्ट आ रही थी 22 रुपए की, तब मैंने उनको साफ साफ कहा था, आपको याद हो, कि भाई मैं तन और मन से आपके साथ हूँ, धन आप अपनी अपनी व्यवस्था खुद करें। एक्चुअली मैं बताऊं, आज सुबह जब मैंने एचडीएफसी बैंक और ये दूसरा इंडसइंड बैंक छोड़ दिया था, मेरा एक्सिस बैंक रडार पे था, तो मैंने सोचा आज ये मेरे अगर ज्यादा गैप से नीचे नहीं खुला तो आज के 2000 में काम आएगा, लेकिन आज मौका ही नहीं मिला, 400 के आसपास आ गया। तो ये है वो स्टॉक जो अच्छी खासी कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है और यहां से और नीचे आता हुआ भी नजर आ रहा है। आशु सर भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, उनको भी हम फोन लगा रहे हैं, आशु सर भी अपनी स्ट्रेटेजी देंगे एक्सिस बैंक पर भी और भी, लेकिन उससे पहले वाग्य साहब तैयार हैं अपने बीटीएस डबल टी के साथ। वागले साहब इतने जल्दी शो में आपका बिल्कुल तो बिकवाली के लिए ही आता है। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून, ऐसी कोई बात नहीं, आज मैंने काफी फार्मा स्टॉक्स में बाय भी दिया है और जो चले भी है, लेकिन अभी मेरा बिकवाली का बिगुल है और आप बिल्कुल सही है, बजाज फाइनेंस ने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है और 1980-82 के करंट भाव से 1990 तक बेचे, मेरे को 1930 का इंट्राडे टारगेट है, मतलब लगभग 50 रुपया यहाँ से, जो 2.5% बनता है, और बजाज फाइनेंस का पैटर्न अनिल जी मुझे इतना वीक लग रहा है, पोजिशनली कोई बेच के खड़े रहे एक आध दो लॉट, मुझे तो लगता है 1750 से 1700 के लेवल आने चाहिए अगले एक से दो हफ्तों में, शायद ऑन द डाउन साइड और जाएगा, उससे कम नहीं होगा, इतना मेरा कॉन्फिडेंस है, और अगर पोजिशनली कोई ले रहा है तो 2022 का स्टॉप लॉस होगा 2025 का। एक मिनट का पहला तो ये कि आप 1935 का पहला टारगेट दे रहे हैं, बराबर है, और वागले साहब स्टॉप लॉस क्या जरा फिर से बताइए, 2014 का स्टॉप लॉस है, 2014 ओके, और ये 1750 भी आ जाएगा, ऐसा मैंने सही सुना क्या? हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, 1750 से 1700 के टारगेट के लिए आप थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस लीजिए, 2030-2040 का स्टॉप लॉस लीजिए और बेच के खड़े रहिए, क्वांटिटी कम करिए और बेच के खड़े रहिए, आपको वो लेवल्स मिलने चाहिए एक से दो हफ्तों का टाइम फ्रेम।
ऐसा कभी कभी आपको ऐसा लगता नहीं कि मतलब जिस हिसाब से स्टॉक गिर रहा है ये मतलब ये कहाँ जाके रुकेगा, कभी ऐसा सवाल मन में नहीं आता? मतलब गजब ही गिरे जा रहा है जैन साहब, ये हो क्या रहा है सारी एनबीएफसी में, इतनी तकलीफ किस बात की है इनको? ये बिल्कुल तकलीफ बहुत बड़ी है। आपने देखा होगा पिछले मतलब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ 20-25 दिन से मैं यही बोलूंगा कि मैंने चीख चीख के बोला कि मैंने एनबीएफसी पे जल्दी से नहीं दाव लगाया। ठीक है कई बार ऐसा होता है कि बाउंस बैक आते हैं अपने टेक्निकल सपोर्ट लेवल्स पे आते हैं, कई बार नॉइज भी होता है, हर तरीके से चल जाते हैं स्टॉक्स, बट अननेसेसरली आपको लॉन्गर जो टाइम फ्रेम है और अपना जो ओपिनियन है वो जल्दी से चेंज नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कल L&T फाइनेंस होल्डिंग अच्छा लग रहा था और वहां पे बाइंग करने आ जाते हैं लोग, चल जाता है। एनबीएफसीज में मुठूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस में भी गोल्ड का 62% या 67% के लगभग गोल्ड का पोर्टफोलियो है, बट मुठूट फाइनेंस में 92% गोल्ड का पोर्टफोलियो है। इनके भी दूसरे कई बिजनेसेस है जिसमें वो लोग MFIs और ये सब चलाते हैं, होल्डिंग कंपनी जिसमें वो बने हुए हैं। तो बजाज फाइनेंस की जब आप बात कर रहे थे, आप ये देखिए ये लोग कंज्यूमर लोन्स में है और ये लोग फ्लेक्सी लोन्स में। फ्लेक्सी लोन्स का मतलब होता है सिर्फ आप इंटरेस्ट लेते हो, आप प्रिंसिपल लेते ही नहीं हो, तो वहां पे रिस्क और बड़ी है। दूसरा आपने जो लोन टू जो EMI टू जो टोटल लोन रेशियो है वो बहुत हाई है डिफॉल्ट का। अगर 3 महीना 4 महीना अगर EMIs नहीं आते और 1 साल का लोन है तो 25% तक की बुक डिस्टर्ब होती है। सो बजाज फाइनेंस के लिए तो मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं अनिल जी, बहुत परेशान है लोग, और देखिए एक बार और टूटेगा। बट एक चीज है कि ये मैनेजमेंट पे बहुत भरोसा है, बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट है, एग्रेसिव मैनेजमेंट है, क्वालिटी कंपनी है। अगर किसी को बजाज फाइनेंस में अगर रखना ही है अपनी होल्डिंग को तो मैं कहूंगा कि इनकी दो कंपनियां हैं होल्डिंग कंपनीज, महाराष्ट्र स्कूटर्स और बजाज होल्डिंग। ये एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है एनर्जी, होल्डिंग कंपनीज एक तरीके से ETFs है जहां पे आपको 40% 50% में पहले ही स्टॉक मिल रहा है, और होल्डिंग कंपनीज इन टाइप के खराब टाइम्स में ऑलरेडी डिस्काउंटेड चलते हैं, तो एक सेफर बेट हो सकते हैं। बट स्टिल फ्रेश बाइंग की राय बिल्कुल भी नहीं है, जिन्होंने ले रखा है बस वो स्टे पुट। मुझे लगता है 1700-1800 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, जहां पे एक बार सपोर्ट ले ले तो ठीक है, और लॉकडाउन खुल जाए, कोई EMIs में कोई इंप्रूवमेंट आ जाए कलेक्शन में तो बात अलग है। बाकी MFIs की हालत और इन टाइप की कंपनी जो छोटे लोन्स दे रही है उनकी बहुत खराब है और कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा। लोगों ने इंटेंशन भी हल्के कर दिए हैं क्योंकि जब से मोरेटोरियम का आ रहा है जो देने वाले लोग हैं वो भी नहीं दे रहे हैं, दूसरों को देखकर रंग बदल रहे हैं। ओके चलिए, तो ये है आपके लिए एनबीएफसी पर राय, माहौल खराब है, बिल्कुल खराब है। ओके, इस बीच भसीन साहब ने मैसेज किया है, हीरो मोटोकॉर्प 1940 रुपए का लेवल हासिल कर चुका है और जिन लोगों ने खरीदा है वो प्रॉफिट बुक करके फाइनल एग्जिट बाय बाय। 1935-1936 फ्यूचर में आइए, शायद 1940 कैश में आई होगा, आप एग्जिट कर लें। ये भसीन साहब की तरफ से राय आ चुकी है, हीरो मोटोकॉर्प अगर आपने उनकी राय पर खरीदा है तो एग्जिट कर लें। आइए बिगुल, इस वक्त आशु मदान साहब फोन लाइन पर हैं। बताएं सर। अनिल जी बिल्कुल से ज्यादा मुझे आपसे 2-3 मिनट बात करनी थी, तो मैंने कहा अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो हमेशा जी बिजनेस ही देखते रहते हैं। अभी है शो के बाद? नहीं अभी करनी है अनिल जी, बिल्कुल अभी ऑन एयर करनी है। अच्छा जाओ, ओके। सबसे पहली चीज तो जो सुबह आपने बोला था ना कि आपने वो जो 10,000 का मन चेंज करा के जल्दी वाला प्रॉफिट बुकिंग का कर दिया था, उसके लिए मतलब मैं ना प्यार कम कर ही नहीं पा रहा हूँ, इतना ज्यादा मन कर रहा है आपसे, क्योंकि जो आपने पकड़ लिया ना, जो मैं बोल रहा हूँ 93, 94, 95 ये आखिरी सांसें हैं अनिल जी, जो बाजार ले रहा है सिर्फ आखिरी सांसें हैं। इस पे इतनी पेशेंस टेस्टिंग होगी और वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से है। और अनिल जी आज एक स्पेशल मुझे अप्रिसिएशन दीपांशु की करनी है, क्योंकि जो चीज मैं पकड़ता हूँ ना, वो जो उसने बोला 28 में से 24 बाय कॉल और होप ट्रेड, और अनिल जी सुबह से कल से मैं देख रहा हूँ सब लोग ना ये पूछ रहे हैं वो पैकेज कब आ रहा है। पैकेज ना शॉर्ट करने दे रहा है और वो लॉन्ग को लॉन्ग वाले को होप दे रहा है। तो शेर आया ये लो, एक मिनट आशु जी, आप जरा धैर्य बनाए रखें, धीरज बनाए रखें, जो पैकेज कब आ रहा है, भेड़िया आया आपके सामने, भेड़िया आ चुका है। और ये आया है कि खबर आ रही कि सरकार से राहत पैकेज पर कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, ये खबर आ रही। मैं डिटेल में, दीप आपके पास और कोई खबर आई है? मैं एक बार ये पूरी खबर पहले पढ़ लूं, उसके बाद में मैं जाना चाहता हूं आशु सर के पास में, एक बार फिर से जरा एक बार देख लीजिए। रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी दीप जी,
मैं आपको बता दूं सर, ये इंडिगो की तरफ से आ रही है, इंडिगो, और ये रॉयटर्स की खबर है। वो कह रहे हैं कि इंडिगो के एक ऑफिशियल ने उन्हें कहा है कि इस समय एयरलाइन इंडस्ट्री को सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है कि एक रिलीफ पैकेज आ रहा है। तो इस समय तो एटलीस्ट कोई ऐसे संकेत नहीं आ रहे हैं, ये रॉयटर्स बोल रहा है इंडिगो ऑफिशियल को कोट करते हुए, कि इस समय हमें ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है या सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं आया है कि कोई रिलीफ पैकेज आने वाला है। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि सर फाइनेंशियल्स की तो प्रॉब्लम है, एयरलाइन इंडस्ट्री की इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज इंडिगो न्यूज में भी था, उन्होंने अपने सैलरी कट्स रोल बैक कर दिए हैं, पर अगर एयरलाइन इंडस्ट्री बोल रही है कि इस समय हमें सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं है, तो ये तो जरूरी परेशानी वाले संकेत है सर। ओके, तो ये खाली इंडिगो के लिए 10 से 12 हजार करोड़ के पैकेज की बात कब से चल रही है एविएशन इंडस्ट्री के लिए कि आने वाला है। बिल्कुल, थोड़े टाइम में तो ऐसा होगा 10-12 हजार करोड़ का तो पूरा मार्केट कैप ही हो जाएगा सारी एविएशन कंपनियों को मिलाकर। क्यों आशीष जी? अनिल जी बिल्कुल, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो होप ट्रेड है जो मैंने अभी बोला कि दीपांशु ने पकड़ा, वो थोड़ा सा मतलब दीपांशु थोड़ा सॉफ्ट है, नहीं तो उसको तो खुद ही इस बार सेल कॉल दे देनी चाहिए थी। अनिल जी हर एक आदमी इस होप ट्रेड की बात कर रहा है, और जब तक थोड़ा सा है ना रेशियो गलत हो गया थोड़ा, 24 में वो 28 में से 4 गिने उन्होंने शॉर्ट वाले, मेरे 2 वाले गिने ही नहीं उन्होंने, जो सुबह मैंने स्टॉक ऑफ द डे और आज का हीरो दिया था। अनिल जी इम्पोर्टेंट वो 4 या अनिल जी इम्पोर्टेंट वो 4 या 6 नहीं है, इम्पोर्टेंट वो 24 ही है, क्योंकि ना सबको कंफर्ट आता जा रहा है, क्योंकि एक पैकेज है कोई बात नहीं। और एक बात बताता हूँ अनिल जी, एक और कॉन्ट्रा डेट बताता हूँ जिससे बात करो, वो कह रहा है कि टॉप शायद में जब पैकेज आएगा तब बनेगा। अनिल जी टॉप आपको और मेरे को बता के नहीं बनेगा, जब बनना होगा ना उसको वो बिना बताए बनेगा, किसी को बता के नहीं बनेगा, तो उससे पहले काम करना पड़ता है अगर आपको काम करना है। तो अनिल जी ये फाइनेंशियल वीक है, अभी भी आप देखिए अनिल जी HDFC वापस कन्विंसिंगली बिलो 1600। अनिल जी परसों DCB में 105 रुपए पे 101 रुपए, सर्किट 105 पे कितना DCB छलांग लगा रहा था, 83 रुपीज है। अनिल जी स्क्रीन आपको बता रही है कि फाइनेंशियल्स में क्या चल रहा है, तो मैं बार बार अनिल जी 93-94 में सबको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, पैसे नहीं कमाओगे तो कोई बात नहीं, ये चले जाएंगे। अनिल जी मैं आपको एक बात और बोलता हूँ, 10,000 पे प्रॉफिट बुकिंग, 10,000 का सपना, 10,000 का भंगड़ा तो पता नहीं, लेकिन 8,000 के आंसू ना रोने पड़े इससे जरूर बच के रहना चाहिए। तो अनिल जी ये वर्ड ऑफ कॉशन है कि फंसना नहीं है इस चीज के अंदर। अनिल जी मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, फ्रैंकलिन टेम्पलटन की आज जो न्यूज है, जितना भी गए हम सब सेफ है, आज 30,000 करोड़ किसी का तो फंसा है उसके अंदर, किसी को तो लिक्विडिटी और प्रॉब्लम आएगी, कोई कॉर्पोरेट इंडिविजुअल HNI होंगे जिनको नहीं चले, नहीं पैसे निकल पाएंगे, क्या करेगा? अनिल जी ये कंटेजियन इफेक्ट है, अभी भी मैं जो कल बोल रहा हूँ स्केलेटन कैसे कैसे निकल के आएंगे वो मेरे को और आपको बताएंगे नहीं, ऐसे ही निकल के आ जाएंगे। तो अनिल जी इस चीज पे बहुत ध्यान रखना है, तेजी आए पैकेज की वजह से बढ़े क्या बढ़े, एक डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए। और फिर बोल रहा हूँ सर तीसरी बार, जो आपने अपना टारगेट नीचे करके प्रॉफिट बुकिंग का कर लिया ना, उसके लिए तो चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस है सर वो। चलिए बढ़िया है, मैं तो ये चाहता हूँ कि और बढ़े, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, और बढ़े ताकि सबको मौका मिले प्रॉफिट बुक करने का, बट ठीक है जो होना होगा होगा, देखा जाएगा। शुक्रिया आशुतोष आपका, लेकिन आशुतोष आप जाए उससे पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ, और वो भी है कि नंबर अपनी जगह, क्वालिटी अपनी जगह, अगर 28 में से 24 कॉल बाय कॉल आए तो ये भी मान कर चलिए उस 24 में से लगभग 14-15 कॉल सारे फार्मा कंपनियों के, और उसमें से ज्यादातर फार्मा कंपनियों के कॉल्स हासिल भी हुए। देखिए मैं बता रहा हूँ, ल्यूपिन, सन फार्मा, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, उसके बाद आप देखिए FDC, रिलायंस, ल्यूपिन, सन टीवी तो आपने भी दिया है, सनोफी, तो ये इतने सारे आज बाय कॉल हैं, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि ठीक है ओवरऑल मार्केट देखकर ये कह सकते हैं, लेकिन जो बाय कॉल्स हैं उनकी क्वालिटी भी काफी बेहतरीन रही है। तो हमारे एक्सपर्ट्स ने जो बाय कॉल दिए, तो वो इसलिए मैं अभी कह रहा था कि आप ये मार्केट दो तरीके से, एक तरीके से आप अगर इंडेक्स को देखते हैं कि मेंटेन है तो फिर आप बाय वाले ट्रेड्स ढूंढते हैं, और वो बाय वाले ट्रेड्स शायद फार्मा शेयरों में मिल रहे हैं। नहीं अनिल जी, एक इंपॉर्टेंट चीज, अनिल जी एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपने अभी कमेंट्री में ओपनिंग पे बोला था, बिल्कुल परफेक्ट बोला है, फार्मा तो नो डाउट अनिल जी मैं बोल रहा हूँ कि बेस्ट सेक्टर है और चलेगा भी, और सारी कॉल परफेक्ट है, 100% स्ट्राइक रेट है, और जिस तरह से राकेश जी कुणाल जी ने भी पकड़े हैं हर रोज। लेकिन अनिल जी जो आपने एक चीज ऑब्जर्व की, बिल्कुल ब्रेड्स वीक होती जा रही है, सिर्फ रिलायंस और कुछ चीजें निफ्टी को मैनेज कर रही है, ब्रेड्स वीक होती जा रही है वो आपको कह रही है, फाइनेंशियल आपको कह रहे हैं, स्क्रीन आपको कह रही है, आपको कोई एनालिस्ट नहीं चाहिए ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है, इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक बात है, आइए बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का।
बताएं सर जी। बिकवाली की राय है हमारी आईजीएल पर। आईजीएल के अंदर एक फ्रेश ब्रेकडाउन, एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके का आईजीएल का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इसमें एक गिरावट इंट्राडे के अंदर अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अब मजबूत स्टॉक्स भी कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, बाजार को लेकर के कुछ आशंका बनती नजर आ रही है अनिल जी, और एक ब्रेकडाउन आईजीएल के चार्ट पर आया है। ये स्टॉक अभी तक आउट परफॉर्मिंग था, लेकिन आज के ट्रेड में लग रहा है कि इसमें भी आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। शॉर्ट करके चलें, यहां पर 443 पर 443 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 421 रुपए का 421 का होगा, और दूसरा टारगेट 412 रुपए का 412 का होगा। तो 421 और 412 के टारगेट के लिए शॉर्ट करना है आईजीएल। IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये है शॉर्ट कॉल कुणाल जी राकेश जी का 445 के स्टॉप के साथ 421-412 के टारगेट के लिए। आइए अब कुशल है तैयार माइंट्री का अनुमान लेकर, आज आने वाले हैं नतीजे बाजार बंद होने के बाद। कुशल बताइए। अनिल जी थोड़े से पॉजिटिव साइड पर रहने का अनुमान करके चल रहे हैं। इनका माइंट्री का डॉलर आय अगर आप देखें तो करीब 1% की बढ़त हो सकती है, और 27.8 करोड़ डॉलर आय जो है वो कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक इसलिए भी है क्योंकि इनका जो ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी वर्टिकल है वो करीब 16-17% इनकी कुल आय का हिस्सा है, जो कि COVID-19 का जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा वर्टिकल उस पर जो है इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। और अगर आप मार्जिन को देखें तो करीब 60 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त के साथ 12.6% कंपनी की मार्जिन रह सकती है, क्योंकि रुपए में जो बेनिफिट मिला है कंपनी को जो गिरावट होने से, और साथ ही जो आईटी कंपनी के लिए ट्रैवल कॉस्ट कम हुआ है उसकी वजह से इनकी मार्जिन थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आएगी। साथ ही मुनाफा देखें तो करीब 2.5% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और 197 करोड़ से बढ़कर मुनाफा कंपनी का 202 करोड़ हो सकता है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक पहली कि जो भी इनके टॉप क्लाइंट्स हैं वहां पर कैसी ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, वहां पर कैसा आउटलुक है, खासकर जो क्लाइंट स्पेंड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और दूसरा जो ट्रैवल वर्टिकल की मैं बात कर रहा था वहां पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहती है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, ट्रैवल वर्टिकल जो इनका एक बड़ा एक्सपोजर है उस पर क्या कमेंट्री रहती है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर हमें ये भी संकेत देगा कि इनके जो ग्लोबल क्लाइंट बेस है वहाँ से क्या आ रहा है। ट्रैवल इंडस्ट्री तो वैसे भी परेशानी में, अभी इंडिगो से भी खबरें आई कि कुछ राहत पैकेज की, इस समय तो आश्वासन नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, माइंडट्री पर नजर रखें इस पर। सुमित जी स्टॉक तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिजल्ट से पहले, आईटी स्टॉक्स में भी थोड़ी खरीदारी देखी है, एक चार्ट स्ट्रक्चर अगर माइंडट्री का हो तो कौन से लेवल देखने चाहिए यहाँ पर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए माइंडट्री के अंदर लास्ट कई दिनों से हमने कंसोलिडेशन देखा है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है वो 720-730 के आसपास है, और ऊपर में जो स्टॉक का रेजिस्टेंस है वो 200 डीएमए भी आ रहा है, जो कि 780 के आसपास है। 780 का लेवल अगर एक बार ब्रेक होता है तो उसके बाद हमें 825-830 तक के लेवल माइंडट्री के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तक के अंदर जब तक ये नीचे में सपोर्ट नहीं टूटते तब तक लॉन्ग पोजीशंस एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपर में 780 का लेवल टूटने के बाद 800 से 830-840 तक का मूव माइंडट्री में देखने को मिल सकता है। के लिए माइंडट्री पर राय, आज स्टॉक एकदम स्टेबल सा ट्रेड करता हुआ दिख रहा। आइए अब अगला बिगुल है वागले साहब के लिए। जी वागले साहब बताएं। अनिल जी एमजीएल बेचना है, आई थिंक राकेश और कुणाल ने आईजीएल कवर किया है, मेरे रडार पर एमजीएल एक 2 रुपए पहले आया था 894-895 में। मेरा स्टॉप लॉस होगा 903 का और मेरा टारगेट होगा 875 का। मुझे लग रहा है 875 के लेवल्स आज और मंडे मॉर्निंग तक आने चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपको भी कहीं आईजीएल ही बेचना था, आपको लगा कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में कुणाल जी राकेश जी आगे निकल गए तो कोई बात नहीं, मैं अब अपनी भड़ास एमजीएल पे निकाल लूं? नहीं नहीं अनिल जी, मेरे रडार पर एमजीएल ही आया था और एमजीएल मेरे सबसे ज्यादा मोमेंटम है। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपको वागले साहब, में है ना आपकी फेस वैल्यू पर ले रहा हूँ, जो आप कह रहे हो मैं मान रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा। ओके, तो वागले साहब की राय है बिकवाली की, लेकिन बेचना है एमजीएल। ओके, 903 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और आप 875 के टारगेट के लिए कर सकते हैं यहाँ पर बिकवाली। तो एक के बाद एक बिकवाली। दीप कितना बजे शो शुरू किया था आज?
मुहूर्त क्या था, चार के चार बिकवाली के कॉल, सुबह सारे बाय आ रहे थे आज सुबह, अभी दोपहर में सब सेल। वो ये सर ट्रेंड एकदम रिवर्स हो गया है। और आईजीएल एमजीएल की बात कर रहे थे सर, तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा रीजनल प्ले भी है, दिल्ली वाले आईजीएल बेचेंगे और महाराष्ट्र वाले एमजीएल बेचेंगे, तो इसलिए दोनों ने अपनी जगह बदल ली है इस समय। अगर कोई गुजरात से हमारे गेस्ट होते तो शायद गुजरात गेस्ट पर भी सेल कॉल आ जाता। पर सर ढाई बजे आने की तैयारी में आज आपकी स्ट्रैटेजी काफी अहम रहेगी, क्योंकि आखिरी डेढ़ घंटे आखिरी घंटे में कैसा ट्रेड होना चाहिए, जो वीकनेस आ रही है उस पर भी नजर रहेगी सर। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक चीज मैं कह रहा हूँ कि अभी यार थोड़ी देर पहले फाइनेंस कंपनियों पे जैन साहब से हमने बात की, जैन साहब का भी मूड एकदम उखड़ा हुआ है बिल्कुल, कुछ भी नहीं लेना, उसके बावजूद उन्होंने चार पांच मिनट लगाए बोलने के लिए, इसका मतलब बहुत मूड खराब है। सुमित जी ने अपने सारे सेटेलाइट अभी कहीं पार्क कर रखे हैं, बोले वीकेंड के बाद मंडे निकालेंगे, तो अभी सुमित जी का आ रहा है एक BTS डबल टी वाला कॉल, और उसके बाद नितिन जी से करते हैं बातचीत। नितिन जी का हमें PCR भी लेना है, अपडेट लेना है, फ्रेश कॉल कोई होगी तो वो भी लेना है, और उसके बाद ढाई बजे की स्ट्रेटेजी मैं दूंगा। तो पहले एक बार सुमित जी के लिए भी गुण। जी सुमित जी बताए। सनील जी बिल्कुल सही कहा आपने, सेल कॉल है अभी मेरे पास BTST के तौर पे, और स्टॉक है वोल्टास। वोल्टास हाई, कल का लो ब्रेक हुआ है, स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है, और प्राइस एक्शन भी वॉल्यूम्स के साथ ये नेगेटिव साइड शो कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वोल्टास में यहाँ से गिरावट बढ़ेगी, जिसमें नीचे में 475 से लेके 470 तक का मूव देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में 485 का लेवल टूटने के बाद 475 से लेके 470 तक का डाउनसाइड मूव वोल्टास में देखने को मिलना चाहिए। 490 के आसपास स्पॉट पे ट्रेड कर रहे हैं, 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बेचे, 485 के नीचे निकलते ही 475 से 470 तक का डाउनसाइड मूव वोल्टास के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, और हम देख भी रहे हैं जैसे ही सुमित जी बात कर रहे थे 1.5%, तो वहां उन लेवल से भी फिसल गया, डेज लो पर आपको वोल्टास भी आते हुए दिख रहा है। तो आखिरी एक घंटा काफी एक्साइटिंग होने वाला है जिस तरह से ट्रेड बन रहा है। नितिन जी भी हमारे साथ हैं, जैन साहब भी हैं। नितिन जी आपके लिए कोई बिगुल बजाय सर, कोई कॉल आ रहा है आपके सामने? देखिए अभी गोइंग फॉरवर्ड मैं कॉल दूंगा, अभी तो कोई कॉल नहीं है, बट निफ्टी पे डेटा में यही दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। निफ्टी में क्या हुआ है कि दो तीन दिनों से जो भी निफ्टी बढ़ रही है, बट उसमें ओपन इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। क्लोजिंग में जो डेटा भाव कॉपी में आता है, वो जो भी दिन भर की ट्रेडिंग होती है, ओपन इंटरेस्ट क्लोजिंग में हम देखते हैं कि कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा है। यानी उससे ऐसा दिख रहा है कि इस लेवल पे कहीं ऐसा तो नहीं कि निफ्टी में ऊपर जा रहा है, बट कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, ओपन इंटरेस्ट का एडिशन नहीं है। और दूसरी बात, जो निफ्टी के मेजर स्टॉक्स हैं, केवल रिलायंस ऊपर आ रहा है, बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है निफ्टी में। डेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निफ्टी के नहीं दिख रहे हैं। स्टॉक वाइज आज सबसे ज़्यादा सेलिंग आपको SBI में हो रही है, और ICICI बैंक में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन बनी है, HDFC बैंक में भी बनी है। ट्रेड के ख्याल से यहाँ पे SBI की पुट ऑप्शन, एट द मनी पुट ऑप्शन ले सकते हैं। SBI की 180 की पुट ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड आप लेकर के जा सकते हो। मुझे लग रहा है SBI में एक सेलिंग आनी चाहिए, और सेकेंड बैंकिंग में ICICI बैंक काफ़ी वीक लग रहा है, तो मंदी के साइड इन दोनों की पुट ऑप्शन आप कैरी कर सकते हैं। ओके, दोनों के पुट ऑप्शन ले सकते हैं। थोड़ी देर में नितिन जी से और भी स्ट्रैटेजीज ले लेंगे, और PCR पर भी एक अपडेट ले लेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बाजार में बात करने के लिए। अनिल जी भी अब थोड़ी देर में अपनी स्ट्रैटेजी देंगे, तो वहां पर भी नज़र रखेंगे। फार्मा स्टॉक्स में जो फ्रेश खरीदारी आई है, एक वो है और एक रिलायंस है, और कुछ और एक दो स्टॉक्स हैं जो बाजार को होल्ड कर रहे हैं। वरना आप देखेंगे तो उतना स्ट्रेंथ आपको इस समय बाजार में आता हुआ नहीं दिखेगा। जैन साहब, आपने तो काफी सारे फार्मा स्टॉक्स रेकमेंड करे ही हैं, तो वहां पर तो नजर रहेगी, पर एक दो जो आज AMCs पर परेशानी आई है ये टेम्पलटन के इशू की वजह से, वो कितनी बड़ी चिंता हो सकती है, और इसकी वजह से जो एक कंटेजियन या फिर एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, क्या निपॉन एसेट मैनेजमेंट या HDFC AMC पर और दबाव पड़ सकता है यहाँ से आगे जाकर? ये दबाव पड़ सकता है। देखिए, फ्रैंकलिन टेम्पलटन एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही प्रेस्टीजियस, और एक बाहर की कंपनी है और बहुत सिस्टम से चलने के लिए जाने जाते हैं। कोई मैं इंडियन प्रमोटेड या कोई दूसरे कोई AMC होती तो मैं एक बार फिर भी बात करता, बट यहाँ पे अगर इस तरीके का 30,000 करोड़ का, जो आशु जी ने बहुत अच्छा कहा कि कंटेजियन इफेक्ट है, और देखिए जिनके पैसे अटके होंगे वो बहुत बुरी तरीके से अटके हैं। और अब दूसरी बात यह कि लिक्विड फंड्स की भी बात आ रही है, तो आज हमारे यहाँ पे भी इसके ऊपर कई कॉल्स आ गए, क्योंकि भले वो दूसरे अच्छे AMCs भी हो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मैं भी इनफैक्ट
सारे लिक्विड फंड्स के जिनमें हमने हमारे क्लाइंट्स के, क्योंकि ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है तो जनरली लिक्विड फंड के थ्रू मार्जिन क्रिएट करते हैं और 90% का बेनिफिट मिलता है, 10% हेयर कट के साथ, तो एक स्ट्रैटेजी रहती है कि 5-6% का ब्याज भी मिल जाए। तो वहां पे भी हम लोग आज पूरा पोर्टफोलियो देख रहे हैं कि कोई हल्का कोई वो तो नहीं है, कोई भी कॉर्पोरेट ऐसा तो नहीं है। सो ओवरऑल बहुत बड़ा वर्ड ऑफ कॉशन है, लोग बहुत ज्यादा चिंतित है और आज काफी लिक्विडेशंस के हमारे पास भी रिक्वेस्ट आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान रखना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा पैनिक भी करते हैं लोग बाग, क्योंकि लिक्विड फंड्स वैसे देखिए आरबीआई बॉन्ड्स और ये सब बहुत बड़े बड़े उनमें रहता है, तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रिस्क आएगी, बट दिस इज सर्टेनली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और एएमसीज पे तो सर्टेनली इतना बड़ा इनके ऊपर एयूएम का हुआ आएगा, तो मेरे और जो डेट का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत हाई है इक्विटी के मुकाबले, सो एएमसीज के लिए एक बड़ा डेंट है। सो आई विल वेट, आई विल नॉट अननेसेसरली रिकमेंड कि आप लोग अभी यहाँ पे एवरेजिंग करें, बाय करें। सर्टेनली निपोन एएमसी 230 पे अट्रैक्टिव लगता है, बट देखना होगा क्या डेंट आता है, थोड़ा वेट कर ले, ठंडा करके खाएंगे, बाद में खाएंगे, ऊपर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भागे नहीं जा रहा मार्केट। सो आई विल बी वेरी वेरी काम एंड पेशेंट, फिर मैं खरीदूंगा कुछ भी मार्केट। बिल्कुल, तो निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, एचडीएफसी, एएमसी, परेशानी इनके लिए थोड़ी और बढ़ सकती है यहाँ से आगे जाकर। 2:30 बज रहे हैं, स्ट्रैटेजी का टाइम हो गया, बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए। सर, ग्लोबल अपडेट में डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है इस समय। जब हमने शो स्टार्ट किया था तो 80 अंक नीचे हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से डाउ फ्यूचर्स में 80 अंकों की रिकवरी हुई है, बट आज पूरा दिन दायरे में रहा है। एशिया के बाजार आधा से 1% गिरकर कम हुए हैं, वहीं यूरोप के बाजार आप देखेंगे तो लगभग 1.5% नीचे हैं इस समय, और कच्चा तेल में भी अब मुनाफा वसूली हो रही है, ब्रेंट अब वापस $20 पर आ गया और नाइमेक्स भी अब इस समय 16 के नीचे है। दीप, एक चीज बताओ आप मुझे, डाउ फ्यूचर्स 5 पॉइंट नीचे है बराबर है जी, और कल 30 पॉइंट ऊपर बंद हुए थे जी, तो कल की क्लोजिंग और अभी वाले में फर्क क्या पड़ा है? कुछ भी नहीं, वही है। तो फिर ये ना, ये यूरोप के बाजार 1.5% नीचे क्यों है? न तो कल कमजोरी हुई, न अभी डाउ फ्यूचर ऊपर कमजोर दिख रहे हैं, तो ये खाली यूरोप वाले क्यों नीचे? दो चीजें सर, कल यूरोप 1% तेज बंद हुआ था, तो शायद एक छोटा सा आप एडजस्टमेंट कह सकते हैं क्योंकि अमेरिका फ्लैट था तो, और दूसरा कल जो यूरोप का डेटा आया था सर वो बहुत चिंताजनक था, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो सर ऑल टाइम लो पर है, तो वही उम्मीद वर्सेस हकीकत वाली बात हो गई वहां पर भी सर, कि मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट बंद हो गई हर तरह से, तो बाजार को कहां से सपोर्ट मिलेगा उसका? तो चलिए, एक्चुअली कॉन्फिडेंस की है कमी पॉइंट नंबर वन, और वो ये कि हमें अभी खरीदना कुछ नहीं है, हम खरीदने का काम जो भी करेंगे वो मंडे को करेंगे, आज कुछ नहीं लेना होगा तो मंडे को लेंगे। दिन के लो पॉइंट की तरफ फिर से निफ्टी आ रहा है, 9145 का लो है, 9165 आ गया है वापस, और बैंक निफ्टी 19515 का लो है, 19500 आ गया है। तो पॉइंट नंबर वन बहुत क्लियर कट है कि आखिरी 1.5 घंटे में कॉन्फिडेंस की कमी है, दबाव है, आज का लो टूटेगा तो कमजोरी और बढ़ेगी, तब आपके लिए अगर आज 9145 तोड़ता है निफ्टी यहां से 20 पॉइंट नीचे आखिरी 1 घंटे में, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 3:05 के पहले पहले अगर ये 9145 टूटता है तो निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए, 9210 आपका स्टॉप लॉस होगा, नीचे की तरफ 9100 और 9050, ये दो टारगेट के लिए निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी अगर आज का लो तोड़ता है, लो तोड़ने पे मत बेचिए इसको, 19700 के आसपास ऊपर आने पर बेचिए, 19700 से 19800 की रेंज में बेचिए, 19500 19400 के टारगेट के लिए, तो ये थोड़ा ऊपर में बेचेंगे तो बढ़िया है। निफ्टी भी अगर 9200 9225 की रेंज में बेच पाए तो और भी बढ़िया, या फिर लो टूटने के बाद बेचे, तो मुझे लगता है ऊपर में बेचने का ही ध्यान रखना चाहिए, लेना नहीं है, ये चीज क्लियर है। ओके सर, बैंक निफ्टी पर कोई स्टॉप लॉस होगा सर? हाँ, उस वो स्टॉप लॉस में बताऊं, उससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ दीप, वो ये कि 9000 तोड़ने की जल्दी भी नहीं है निफ्टी की, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर 9500 पर 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, जहां पर बड़ी रुकावट है, तो ये आपके लिए हो गया। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 19000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में और 20000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल में, तो ये 1000 पॉइंट की आपके लिए एक तरह से रेंज होगी, इस रेंज में माफ कीजिएगा इसको ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी अगर आप शॉर्ट करते हैं, आपका स्टॉप लॉस सिंपल है 20000 का, जो आज के हाई के आसपास है 19950, तो
19,000 से 20,000 ये रेंज होगी आपकी बैंक निफ्टी की, और निफ्टी की रेंज होगी आपकी 8,900 से 9,400, इसके बीच में वक्त बिता रहा है। ओके, इसके बीच में वक्त बिता रहा है इस समय, तो देखते हैं कि कौन से लेवल्स आते हैं यहाँ पर पहले। बट एक बात तो है कि यहाँ पर आप देखें तो बाजार पर प्रेशर जरूर बढ़ रहा है और डेज लो पर है, 3.5% अब नीचे है बैंक निफ्टी। तो जो जितनी कल की गेन थी वो तो हमने गवाई दी है, और उसके बाद भी हम 150 अंक वहां से भी फिसल चुके हैं, तो ये परेशानी आ रही है इस समय बाजार पर। मौजूदा स्तर पर खरीदारी तो बिल्कुल नहीं करनी है, बल्कि एक बाउंस बैक पर आप शॉर्ट जरूर कर सकते हैं बाजार को, ऐसा इस समय आपको ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, नजर है बाजार के एक्शन पर इस समय, और कुछ NBFCs की ही बात कर लेते हैं सुमित जी, क्योंकि आपसे लगातार 2-3 दिनों से इक्विटास में बात हो रही है। कल 18% भागा था स्टॉक, थोड़ा फंड बाइंग आई थी, आज 12% गिरा है स्टॉक, तो फिर क्या चल रहा है इक्विटास में, डेटा क्या बता रहे हैं आपको? मोस्ट ऑफ द फाइनेंस, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, आपको सुनाई दे रहा है मुझे? जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल, इक्विटास में लास्ट, हाँ जी बिल्कुल, इक्विटास में लास्ट कुछ दिनों से बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिला है, और स्पेशली कल के दिन में जो मूव दिया था वो बहुत था। आज इनसाइडर रहे हैं, यानी कल की जो तेजी थी उसके अंदर इक्विटास घूम रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वीकेंड का जो बड़ा तेजी सबको कल और परसों में देखने को मिला था ये फाइनेंशियल स्टॉक्स में, उन सब में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि वीकली वीकेंड क्लोजिंग के अंदर लोग प्रॉफिट बुक करके जाना चाहते हैं, और नेक्स्ट वीक के अंदर फिर वापस से जब शुरुआत हो तब देख के फ्रेश व्यू लेना चाहते हैं। इक्विटास की जहां तक बात है, स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया लग रहा है। स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट है 48 से लेके 50 के आसपास है, अभी चल रहा है 51.60 रुपए के आसपास। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब तक ये 48 रुपए 50 रुपए के लेवल नहीं तोड़ता तब तक इसके अंदर एक बार फ्रेश सेलिंग नहीं करनी चाहिए, एक बार बाइंग के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ऊपर में 55-56 का लेवल टूटने के बाद नेक्स्ट वीक में फिर 60 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो ये देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक कैसे परफॉर्म करता है। फिलहाल एक बार आप वेट एंड वॉच करें इसके अंदर फ्रेश ट्रेड लेने के लिए। ओके, लेकिन एक और खबर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है बड़ी खबर, और वो ये कि प्रधानमंत्री जी की जो आज बैठक होने वाली थी वित्त मंत्री जी के साथ में, वो बैठक स्थगित हो चुकी है। तो जो लोग इस उम्मीद में आज तेजी में थे सुबह की, शायद या फिर दोपहर के बाद 12 बजे के आसपास जो बाजार रिकवर होता हुआ दिखा, लोगों को ये लगा कि रिकवरी इस दम पर हो सकती है कि चलिए वित्त मंत्री जी की जो बैठक होगी हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई पैकेज आ जाए, तो पैकेज आने की संभावनाएं कम से कम आज के लिए खत्म। अगले हफ्ते शायद बैठक हो सकती है, इसका मतलब क्लियर कट है कि एक हफ्ता नहीं तो कम से कम आपका ये वीकेंड तो गया, अब जो होगा अगले हफ्ते होगा। तो ये एक नेगेटिव खबर उन लोगों के लिए जो इस उम्मीद में बैठे थे कि पैकेज आने वाला है। कब से लगातार पैकेज की उम्मीद में बैठे हुए लोग, और पैकेज का अभी तक कहीं दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा। आज दोपहर भी 12 बजे हमने प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार से बात की थी सुब्रमण्यम साहब से, उनका भी ये कहना था कि बहुत ज़्यादा आप उम्मीदें मत रखिए, आएगा तो भी छोटा सा आएगा, कुछ बड़ा आने की अभी उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, हमारी प्राथमिकताएं अलग है। और अब इसी बीच ये खबर आती हुई दिख रही कि वित्त मंत्री जी की जो आज 12 बजे बैठक होने वाली थी प्रधानमंत्री जी के साथ, वो बैठक स्थगित हो चुकी है। तो आज इस वीकेंड पर अगर आपको एक अच्छी खबर का इंतजार था कि किसी तरह का पैकेज आएगा, तो वो पैकेज नहीं आ रहा है, ये आपके लिए एकदम साफ है। और दीप, इसी के बीच में आप देखिए दिन के लोएस्ट पॉइंट पर बाजार आते हुए दिख रहे हैं, वहाँ से हल्के से ऊपर आए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड कमजोरी की तरफ का है। 700 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक है और 130 अंक नीचे आपको निफ्टी नजर आएगा। तो पैकेज आज के लिए नहीं, अगले हफ्ते मीटिंग होगी, उसके बाद देखा जाएगा मीटिंग में क्या कुछ होता है, अप्रूव होता है या नहीं होता। तो यह है इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बीच की जो बैठक थी वो बैठक स्थगित हो चुकी है। तो आज किसी तरह की पैकेज आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं, इस वीकेंड पर किसी तरह के पैकेज आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं, अब जो कुछ होगा अगले हफ्ते ही होगा, इस पर आपको फोकस करना है। जी दीप, और कोई इन्फॉर्मेशन है तो बताइए।
नहीं बस यही है सर, हमारी टीम यही बता रही है कि इस समय अगली बैठक की डेट फिक्स्ड नहीं है, तो जब भी डेट पता चलेगी नजर रहेगी। और आपको याद दिला दे कि इस हफ्ते जी बिजनेस ने आपको एक्सक्लूसिवली सबसे पहले ही बता दिया था कि फिलहाल कोई बड़ा पैकेज आने की तैयारी नहीं है। हम जरूर, हमारी रिपोर्टिंग टीम आपको इस पर और डिटेल्स भी लाती रहेगी, बट इस हफ्ते की बात तो टल गई, अब अगले हफ्ते जब होती है मीटिंग तो उस पर नजर रहेगी। पर इसके अलावा अगर बाजार का एक्शन देखें तो नतीजों के दम पर काफी स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं, आने वाले 2-3 दिनों में कुछ बड़े नतीजे आएंगे। तो पूजा त्रिपाठी हमारे साथ है दो बड़े नतीजों के बारे में बात करने के लिए, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई प्रू। पूजा, पहले इंडसइंड बैंक से शुरुआत करते हैं, आज फिर से बड़े फोकस में आ रहा है ये, क्या एक्सपेक्टेशन है जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है चौथी तिमाही की? जी, इंडसइंड बैंक में तो देखिए क्वार्टर थ्री में ही मैनेजमेंट ने कह दिया था कि इस बार जो नंबर्स आएंगे उससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए, कुछ बुक्स में स्ट्रेस है और इनके उसके सामने इनको प्रोविजनिंग भी भारी करनी पड़ सकती है, तो ये तो दिक्कत थी ही। और उसके बाद हमने देखा था कि स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म भी किया था। अभी जो दूसरी समस्या आ गई है COVID-19 की, उसके चलते भी माना जा रहा है कि एक बड़ा स्ट्रेस आने वाले समय में देखने को मिल सकता है इनके SME, रिटेल और कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में, तो उसके सामने भारी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। एक बात आपको और बता दें, सालाना आधार पर नंबर्स की तुलना नहीं की जा सकती, क्वार्टर ऑन क्वार्टर होगी, क्योंकि क्वार्टर वन FY20 में भारत फाइनेंशियल के साथ का मर्जर पूरा हुआ था। तो अगर तिमाही दर तिमाही कंपेयर करेंगे तो नंबर्स बिल्कुल म्यूटेड हैं। NII सपाट ग्रोथ रहेगी, या हम कह सकते हैं कि 0.5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। मुनाफा घटेगा 58% से, क्योंकि प्रोविजनिंग इस बार कंपनी को भारी करनी पड़ सकती है 1880 करोड़ की, और ग्रॉस NPA भी इस बार बढ़कर 2.6% रह सकते हैं 2.2 से बढ़कर। एक और चीज जहां पर आपको नजर रखनी है वो है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है तो उसके चलते भी कुछ बड़ी घोषणा, कुछ बड़े बदलाव संभव है। तो कॉमेंट्री किस तरह से आती है इंडसइंड बैंक के केस में, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, कमेंट्री कैसी आती है इंडसइंड बैंक के केस पर, इस पर नजर बनी रहेगी। पूजा, आईसीआईसीआई प्रू के बारे में भी बताइए, क्योंकि आज और भी खबर आई थी, मार्च महीने की परफॉर्मेंस का अपडेट आया था, पिछले साल की परफॉर्मेंस का अपडेट आया था, और अर्निंग्स के लिहाज से क्या फोकस रहेगा? जी, अर्निंग के लिहाज से ये क्वार्टर कमजोरी रहेगा। वैसे तो जनवरी फरवरी में काफी अच्छा बिजनेस किया, लेकिन मार्च जो एक स्ट्रांग क्वार्टर माना जाता है तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए, उसमें कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाई लॉकडाउन के चलते, ज्यादा कुछ इस बार सहारा नहीं मिला, और उसी के चलते हम देखेंगे जो कोर प्रदर्शन होता है कंपनी का वहां पर दबाव देखने को मिलेगा। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में करीब 18% की गिरावट की उम्मीद है। थोड़ा बहुत जो सहारा मिलेगा इनको कमीशन और ऑपरेटिंग खर्च में कुछ कमी आएगी, जिसका थोड़ा बहुत सपोर्ट इस बार मुनाफे में दिखेगा, और 17% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन कोर प्रदर्शन जो है वो कमजोर रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के केस में। ओके, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के केस में कमजोर परफॉर्मेंस होगी। कल भी हमने देखा क्लोजिंग सेशन में स्टॉक लगभग 2.5-3% फिसला था, आज 7% की गिरावट वहां पर आपको आती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। जैन साहब, इंश्योरेंस स्टॉक्स बाजार को काफी पसंद आ रहे थे, पर जिस तरह के परफॉर्मेंस अपडेट आए हैं, जिस तरह के नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है, क्या अब थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे हैं इन लेवल्स पर? यहां से और प्रेशर आ सकता है इन स्टॉक्स पर? आपकी क्या नजर रहेगी नतीजों पर? देखिए, जैसे AMCs और इंश्योरेंस स्टॉक्स दोनों पे ही प्रेशर आ सकता है, और सर्टेनली देखिए ये लोग भी अपने, इनके भी प्रोपोर्शंस होते हैं, जो भी ये लोग यूलिप्स में लेते हैं या जो भी फंड्स आते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रीमियम को पार करते हैं, तो सर्टेनली एक वो जो एक टिपिकल एक रिस्क जो है सिस्टम में, एक थोड़े साल 1-1.5 साल पहले भी ऐसा एक कुछ हुआ था, ऐसा ही एपिसोड, और देखिए किस तरीके से ट्रीटमेंट होता उसका। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी मार्च से लेकर जून तक भी पोस्टपोन हुई है चीजें, 80C 80D की भी जो 80C के लिए भी जो क्लेम के लिए लोग बाग जो बाइंग करते हैं मार्च के महीने में, वो भी दिखाई कम देगी, क्योंकि कई लोग टैक्स बचाने के लिए करते हैं, बट वो भी अब दिखाई नहीं देगी। और जून में भी हो सकता है कि जब आपके पास इनकम ही नहीं रहती है तो हो सकता है लोग बाग अपने शॉर्ट टर्म प्रीमियम्स और अननेसेसरी जो भी पॉलिसीज होती है वहां पे, हो सकता है 3-5 साल के बाद कई बार यूलिप्स में जो पैसे भरने होते हैं वो नहीं भरेंगे, क्योंकि वहां तक आप रखते हो तो आपका वो पॉलिसी इंटैक्ट रहती है, बट अननेसेसरी प्रीमियम अमाउंट्स कम कलेक्ट होंगे। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द पीरियड 2-3-5 साल में लोगों को जो ये रिस्क जिस तरीके से आ रही है, टर्म प्लान्स और ये सब की तैयारी बहुत अच्छे से करेगा आदमी, क्योंकि सबसे पहले जब माहौल खराब होता है तो आदमी सबसे पहले बेसिक खर्चों को देखता है, बाद में अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखता है, और बाद में वेल्थ मैनेजमेंट को देखता है। तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस सेक्टर 3-5 साल 10 साल का नजरिया जो भी रखते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा सेक्टर है,
और करेक्शन आए तो वहां पे लेने की ही कोशिश करेंगे, बट एज ऑफ नाउ सर्टेनली एक बार अननेसेसरीली एग्रेसिव होके बाइंग के लिए मैं राय नहीं दूंगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा है। मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ जो अनिल जी ने कहा कि बहुत ज्यादा अगर माहौल ठीक लगता है बाजार में थोड़ी बहुत तेजी का तो फार्मा स्टॉक्स रेकमेंड कर देते हैं, एफएमसीजी कर देते हैं, थोड़े बहुत आईटी कर देते हैं, तो वैसा ही कुछ मेरा भी अप्रोच है और अननेसेसरीली मैं हर सेक्टर में हाथ पैर नहीं मार रहा, ऐसा मेरा स्ट्रेटजी है। संदीप जी की राय, और इस बाजार थोड़ा सा ऊपर आकर 9200 की तरफ फिर से आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस रिकवरी में भी एक चीज दीप बहुत क्लियर है, रिकवरी जो कुछ आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में आ रही है। बैंक निफ्टी तो देखो कुछ रिकवरी नहीं हुआ नीचे से, अभी भी 3.75% कमजोर है, तो यहाँ पर जो मामला है वो तो अभी भी ढीला ही है, कमजोरी है, तो मजा है नहीं कहीं भी। लेकिन ल्यूपिन ये है आज का स्टार परफॉर्मर जो 7% अभी भी ऊपर है, और ऑलरेडी सुमित जी ने भी इसको 10 की कमाई में भी दिया है। अच्छा एक है सुमित जी, क्या अभी कोई एक्सपर्ट ऐसा बचा नहीं जिसने इसको रिकमेंड नहीं किया हो, सबने किया है, सबको बहुत बहुत बधाई। सुमित जी खाली आप अपडेट दे दो बस। सुमित जी बोलो। सुमित जी के पास मैं जाता हूँ, सुमित जी डाउन हो जाए। नितिन जी बाकी सबकी आज आ चुकी है एडवाइस, लुपिन पर आप एडवाइस दे दीजिए। देखिए जी काफी स्ट्रांग है, इनफैक्ट एसएमसी की तरफ से हम लोगों की ये बाय रिकमेंडेशंस लास्ट 2-3 दिनों से चल रही थी, हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है, बट इसके जिस तरीके से वॉल्यूम्स हो रहे हैं ये 900 के ऊपर बिल्कुल जा सकता है, तो पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस अगर आप रखते हैं तो 860 का एक स्टॉप लॉस बनता है, वो रख करके होल्ड करें, और 900 से 920 का जो रेंज है वहाँ पे आप दोबारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट ओवरऑल जो डेटा सेटअप है अनिल जी पॉजिटिव साइड है लुपिन में। ओके डेटा तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, अगर चाहें तो थोड़ा मुनाफा जरूर वसूल सकते हैं, 7% 8% ऊपर है वीक बाजार में और डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, वैसे अगर आप चाहें तो बने रहें, कोई परेशानी नहीं है इसमें। बाजार हल्की रिकवरी आ रही है और डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालें तो वहां पर भी आपने 60 अंक की तेजी देखी, जब अनिल जी हमें थोड़ी देर पहले स्ट्रैटेजी दे रहे थे तो एकदम सपाट थे डाउ फ्यूचर्स, अब 60 अंक ऊपर है। यूरोप के बाजार भी निचले स्तरों से हल्का रिकवर हुए हैं, तो निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से 9200 की तैयारी हो रही है, पर जैसा अनिल जी बता रहे थे बैंक निफ्टी में आपको ऐसा एक्शन नहीं दिखेगा। कंजम्पशन स्टॉक अगर आप निफ्टी का ही देखें तो रिलायंस के अलावा आप पाएंगे कि ब्रिटानिया में खरीदारी हो रही है इस समय, नेस्ले भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है, एशियन पेंट्स एकदम सपाट हो गया है, एलएनटी अच्छे एक्शन में, और फिर फार्मा स्टॉक्स ऑफ कोर्स अच्छा कर ही रहे हैं, सन फार्मा हो या फिर सिप्ला हो, हीरो मोटोकॉप भी आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, भसीन साहब ने इस पर मुनाफा वसूली की भी रिकमेंडेशन इस समय दे दी है, तो भरपूर एक्शन है इस समय बाजार में। देखते हैं किस तरफ क्लोजिंग होती है आखिरी आधे घंटे 40 मिनट में। बजाज फाइनेंस डेज ऊपर जरूर है, 1980 पर अब ये स्टॉक आ गया, बजाज फिनसर्व में भी आप ब्रेक डाउन दे रहे हैं। सुमित जी के पास चलते हैं, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। बताइए सुमित जी। हाँ जी दीपांशु अभी आवाज आ रही है मुझे। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में मेरे रडार पे जो स्टॉक आया है वो है गेल। गेल के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है, 79.50 का स्पॉट लेवल्स है, मेरे को लग रहा है गेल यहाँ से गिरावट दिखाएगा जिसमें 78 रुपए से लेकर 75 रुपए तक का डाउनसाइड मूव गेल के अंदर देखने को मिल सकता है। गेल के अंदर यहाँ पे 77.50 का पुट 2.5 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, जस्ट स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ते जा रहा है, स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से अच्छा फॉल देखने को मिलेगा, तो 77.50 का पुट यहाँ पे बाय करें, 1.5 रुपया नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में मेरे को लगता है कि 5 रुपए और 6 रुपए तक का मूव गेल के 77.50 के पुट के अंदर देखने को मिल सकता है। गेल के अंदर मेरे को लग रहा है कि 78 का लेवल तोड़ेगा और 75 रुपए तक का मूव दिखा सकता है, तो इस पुट के टारगेट ऊपर में 5 से 6 रुपए होंगे, 1 से 1.5 रुपए के आसपास इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अभी बाय कर सकते हैं 77.50 वाला पुट। 7950 वाला पुट आपको खरीदना है गेल पर, आप देखें तो बिकवाली का दबाव इस समय बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये आपके लिए छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। फ्यूचर्स में भी देखें तो स्टॉक पर काफी प्रेशर है, 5% नीचे सारे के सारे गैस स्टॉक्स जो है प्रेशर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में दबाव आ रहा है सिवाय रिलायंस को छोड़ के।
अभी थोड़ी देर पहले जैन साहब से इंश्योरेंस स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते। पूजा हमारे साथ हैं। पूजा, अपडेट दीजिए, जो अभी हम थोड़ी देर पहले आपने आईसीआईसीआई प्रू के नतीजे बताए, पर जिस तरह का इंश्योरेंस कंपनीज का इस बार डेटा आया है मार्च के महीने में स्पेशली, किस तरह के संकेत आए हैं? जी, मार्च महीने में अगर देखेंगे तो इस बार जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसमें 32% की गिरावट देखी गई है। प्राइवेट कंपनीज पर तो इसका इम्पैक्ट पड़ा ही, LIC के प्रीमियम में भी इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखा गया है। हम अगर ओवरऑल बात करें पूरे सेक्टर की, तो मार्च 2019 के जो प्रीमियम है उसमें 37,459 करोड़ के मुकाबले मार्च में जो आंकड़ा आया है वो 25,409 करोड़ का है। तो मतलब 32% की गिरावट यहां पर देखी गई है। अब LIC के एग्जाम्पल मैं आपको बता रही थी, न्यू प्रीमियम 25% बढ़ा है पूरे साल में, लेकिन सिर्फ मार्च महीने की अगर बात करेंगे तो वहां पर 31% की गिरावट हो गई है केवल मार्च महीने में। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि मार्च महीना इन तमाम कंपनियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वार्टर होता है। अब एक बार कुछ अन्य प्राइवेट कंपनी या निजी प्लेयर्स की बात करें तो HDFC लाइफ FY20 के 11 महीने में 23% की ग्रोथ देखी गई है, लेकिन मार्च महीने में अगर देखेंगे तो 19% की गिरावट आई है। ICICI प्रूडेंशियल की हम बात कर रहे थे, FY20 में 11 महीने की ग्रोथ में करीब 30% की बढ़त हुई थी, ये 11 महीनों की ग्रोथ है, लेकिन अगर सिर्फ मार्च की बात करेंगे तो वहां पर 32% की गिरावट देखी गई है। तो मार्च में जो असर पड़ा है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इस बार के नतीजों में LIC में हमने देखा ही, उसका असर बाकी कंपनी के नतीजों में भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जिस तरह का हमने संकेत देखे हैं इसका आप बाकी कंपनियों पर भी असर देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। कुणाल जी, ICICI प्रू आपकी शॉर्ट कॉल थी आज पिक ऑफ द डे में, आपने दी थी 350-340 के आपने यहाँ पर टारगेट्स दिए थे। जिस तरह से अब स्टॉक में मूवमेंट आया है सर, बताइए अगला क्या लेवल ध्यान में रखना चाहिए, क्या रिविजन करेंगे टारगेट स्टॉप लॉस में? देखिए, एक बड़ी गिरावट आते हुए दिख रही है दीपांशु, और मुझे लगता है कि देखिए एक सपोर्ट है 325 के आसपास, 336 का भाव चल रहा है, जैसे ये स्टॉक 325 का स्तर तोड़ेगा तो इसमें आपको और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वो जैसे अनिल जी लगातार कह रहे हैं, उन स्टॉक्स से बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए। इन सभी स्टॉक्स में चाहे कितना भी मजबूत अपेरेंटली लगता हो, एक बार के लिए थोड़ा सा परहेज करें बेहतर रहेगा। और इस स्टॉक में भी मुझे लगता है 325 के नीचे और गिरावट देखने को मिलेगी। और साथ ही दीपांशु, मेरे और राकेश जी के पास एक एल्गो का कॉल है, तो अगर बिगुल भिजवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजाते हैं राकेश जी, कुणाल जी के लिए, और उसके बाद विश्वेश जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पर पहले चार्ट कॉर्नर का बिगुल। बताएं सर। दीपांशु, 142.50 रुपये, 143 रुपये का भाव है। स्टॉक का नाम है गुजरात नर्मदा, यानी कि GNFC, जिसका अगर आप चार्ट देखें तो बहुत ही बेहतर ब्रेकआउट इसमें चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह का मोमेंटम आज इंट्राडे चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है, इस स्टॉक में एल्गो रडार पर एक बाय का संकेत आया है और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओवर टू राकेश। देखिए दीपांशु, मोस्ट फर्टिलाइजर स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। GNFC में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, 138 का स्टॉप लॉस है, 147 पहला टारगेट, 154 दूसरा टारगेट, और GNFC को खरीदने की राय है। GNFC गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर, इसको आप खरीदें और यहां पर आप देखें तो अच्छे गेन्स आएंगे, 147 और 154 ये आपके लिए दो टारगेट्स हैं। ठीक है, विश्वेश जी का भी स्वागत करते हैं छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के बिकुल के साथ। गुड आफ्टरनून विश्वेश जी, बताइए स्ट्रेटजी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट बाय एंड लार्ज रेंज में है, और 19500 और 9000 निफ्टी में और बैंक निफ्टी में प्रिवेलिंग सपोर्ट है, लेकिन कई सारे स्टॉक्स है जो स्ट्रांग है और कई सारे स्टॉक्स है वो वीक है। तो मैंने आज इंडेक्स में ना चुन के स्टॉक्स में ट्रेड लेने का सोचा है, वो भी ऑप्शन के जरिए। तो जो पहला स्टॉक है उसमें बाय करना है 4200 का पुट, स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व का 4200 का पुट ऑप्शन अभी 80 रुपए के आसपास मिल रहा है।
देखिए मेरा ऐसा मानना है बजाज फिनसर्व में आज के दिन में एक बहुत ही मेजर ब्रेकडाउन हुआ है, और बजाज फिनसर्व का ये जो ब्रेकडाउन है ये एटलीस्ट नहीं तो भी यहाँ से 400 रुपए का मुझे ब्रेकडाउन दिख रहा है। तो मैंने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से बजाज फिनसर्व को 8,500 पे सेल दिया था, 5,000 का टारगेट था, हो गया। आज जिस हिसाब से पूरे मार्केट में ब्रेकडाउन है और कंपेरेटिवली ये स्टॉक में पुलबैक ही नहीं आया, और साइडवेज होने के बाद जिस तरह से इसमें ब्रेकडाउन आया है, मेरा ऐसा मानना है बजाज फिनसर्व यहाँ से एटलीस्ट 400 रुपए तो गिरना ही चाहिए, इवेंचुअली 3700 तक भी जा सकता है। तो बजाज फिनसर्व का जो 4200 का पुट ऑप्शन था 80 रुपए में खरीदने की सलाह थी, मेरा ऐसा मानना है 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि मैं 300-400 रुपए का फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो उस सूरत में पहला टारगेट 150 और दूसरा टारगेट दूसरा रहेगा। ये बजाज फिनसर्व पे मेरा शॉर्ट की सलाह है वाया पुट। ओके, शॉर्ट की सलाह वाया पुट, 150-200 के टारगेट। एक बार किस लेवल पे ये पुट ट्रेड कर रहा है बता दीजिए, क्योंकि जब आपने बात करी तो 4400 था, अब 4360 पर आ गया, और दूसरा स्टॉप लॉस भी एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए दीपांशु, मेरा ऐसा मानना है स्टॉक में बहुत ही मेजर ब्रेकडाउन है, और मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था कि कॉल आए हम इसको शॉर्ट करें, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा सेमी लिक्विड स्टॉक होता है तो ऑल ऑफ अ सडन हमारी इम्पैक्ट रहती है बिजनेस की। व्यूअरशिप अभी नंबर वन चैनल है तो ऑब्वियसली काफी सारे व्यूअर देखते हैं, काफी सारे लॉयल व्यूअर्स देखते हैं। देखिए अगर आप 80 रुपए में बाय किए हैं तो आपका 40 रुपए का स्टॉप रहेगा, अगर आप अभी भी बाय कर रहे हो जो 110-115 रुपए के आसपास चल रहा है, 4200 का पुट ऑप्शन हमारे बोलने के बाद सडन 30-40 रुपए का हुआ है, अगर आप अभी भी बाय करते हो तो भी आपको स्टॉप लॉस जो है वो 40 रुपए का ही रखना होगा। मेरा ऐसा मानना है बजाज फिनसर्व में आज का ब्रेकडाउन ट्रायंगल पैटर्न है, और मैं छोटे टारगेट्स भी देता हूं। देखिए लास्ट टाइम भी मैंने जब चोला फाइनेंस खोला था तो हमारा 20% का टारगेट था, अगले दिन 18% नीचे था। तो बड़े टारगेट होते हैं तभी व्यूअर्स पैसा कमा सकते हैं, ये मेरा सिंपल रीजनिंग है, इसी वजह से मैं लंबे टारगेट की सलाह देता हूं। तो यहां पे बजाज फिनसर्व का जो ब्रेकडाउन है वो मेजर ब्रेकडाउन है, तो उस सूरत में 4200 का पुट 120 पे भी खरीदे तो भी आज 40 रुपए का स्टॉप लॉस रख के 200 रुपए तक के टारगेट के लिए होल्ड करें। अरे विश्वेश जी, आप है किधर, नजर ही नहीं आ रहे। एक दिन आपने हम सबको स्टैंडिंग ओवेशन देके शो किया, उसके बाद सर बाय द वे आपको बहुत बहुत बधाई, और नंबर वन चैनल हो गए आप, और सर 2,00,000 फॉलोअर हो गए, और बाय द वे आज सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे है, और जिस हिसाब से सर आप उनके फैन हो, और मेरी मम्मी का भी बर्थडे है, मेरी मम्मी और सचिन तेंदुलकर दोनों का बर्थडे साथ में होता है। अरे क्या बात है, अरे वाह, देखो आपकी माताजी ने भी एक तेंदुलकर ही पैदा किया है, मतलब आप भी जिस तरह से चौके छक्के लगाते हो कम नहीं हो, तो मजा आ गया। उनको बहुत बहुत बधाई, और हमारी तरफ से उनको रिगार्ड्स दीजिएगा। तो मतलब अभी आप अभी ऐसा लग रहा है कि विश्वेश जी हम आपको मिस ही करने लगे हैं, बहुत दिन हो गए देखे हुए, तो चलिए आज आपकी आवाज़ से ही काम चला रहे हैं, तो ठीक है, ये बहुत अच्छा रहा कि चलिए कम से कम आपकी से बात हुई और पता चला कि आपकी भी माताजी का आज बर्थडे, बहुत बढ़िया। ओके दीप, अब जी 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 जी, अच्छा एक और बताइए, जी बताइए बताइए सर। देखिए सर, मेरा बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ है कि फार्मा में लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव हो चुका है, और पिछले 2 वीक से मैं फार्मा में कॉन्स्टेंट बुलिश हूँ, मेरे हिसाब से मीडियम टर्म बुलिश हुआ है, और कहीं ना कहीं मेरा ग्लेनमार्क पे और ओरो पे भी पॉजिटिव व्यू था, लार्जली मूव प्ले आउट हो चुका है। आज के दिन में जिस हिसाब से डेटा उभर के आ रहा है, मुझे क्लियरली ये समझ के आ रहा है कि पिरामल एंटरप्राइज, बहुत दिनों बाद मैंने पिरामल एंटरप्राइज 2500 रुपए से खाली सैली दे रहा हूँ, तो पिरामल एंटरप्राइज में बाय करने की सलाह है। स्टॉक का अभी 850 का लेवल चल रहा है, लेकिन देखिए इसमें जो हम बाय करेंगे पिरामल एंटरप्राइज में वो बहुत अलग तरीके से करेंगे, हम 850 का कॉल बाय करेंगे। एक मिनट विश्वेश जी, पक्का आप पिरामल पे आप बाय देना चाहते हैं? जी बिल्कुल सर, क्योंकि मेरा अभी है ना, मेरा अभी 2000 में ये शॉर्ट कॉल आने वाला था आपके जस्ट बाद। देखिए सर, मैं तो लेवल से तो अगर आप बाय दे रहे तो मैं अपना शॉर्ट कॉल विड्रॉ कर लूं, और आप शॉर्ट दे रहे तो आप, मैं शॉर्ट दे रहा हूं तो आप बाय विड्रॉ कर लो, दोनों बैक टू बैक तो नहीं देंगे। अच्छा मैं एक मिनट, मैं अपना रीजन बताता हूं, फिर आपको जो ठीक लगे। मैं तो देखिए, मैं तो टेक्निकल और दोनों ही वो डेटा के हिसाब से नहीं देता, मेरे देने के पीछे रीजन मैं बता देता हूँ कि मेरा तो फंडामेंटल रीजन है। अभी आप देखिए जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाला इशू आया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी 6 डेट स्कीम बंद की है, और जिसमें अलग अलग कंपनियों में उनका जो एक्सपोजर है, उसमें एक चीज समझ में आ रही कि पिरामल के पास 1285 करोड़ रुपये का एक्सपोजर है, और ये 18 मई को ड्यू है ये पैसा।
अब आप सोचिए ये जो कूपन है जिस पर ये पीरामल ने बोरो किया हुआ, ये 9% का कूपन है। अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप और मैं हाउसिंग लोन लेने जाते हैं आज SBI के पास या किसी बैंक के पास, तो 7.5-8% में 9% में हाउसिंग लोन मिलता है। अगर कोई फाइनेंस कंपनी बोरो 9% पर करेगी, प्लस उसकी बोरोइंग कॉस्ट होती है, जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह ये सब होती है, करती है, कमीशन दिया जाता है। बोरोइंग अगर आप 10-11% पे करेंगे, उसके बाद आप अपना मार्कअप करेंगे, और उसके बाद अगर आप लोन ऊपर के रेट पर देंगे, तो आप कैसे कमाएंगे? तो ये मेरा एक फंडामेंटल रीजन है, और इस वजह से मैं कल के 2000 में पीरामल देने की सोच रहा था। तो मेरा फंडामेंटल रीजन ये है, लेकिन अगर आपका रीजन टेक्निकल के हिसाब से लॉन्ग का है, तो वो फिर आप देख लीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना रीजन विड्रॉ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा बहुत ही स्ट्रांग मानना है, देखिए मैं मेरा रीजनिंग समझाता हूँ। मैं 2500 से सेल कर रहा हूँ, इनफैक्ट कॉन्स्टेंट हमारा शॉर्ट ही रहता था, मैं और आशीष जी खांसी के इसको शॉर्ट ही करते थे। देखिए पहली बार ये स्टॉक में मार्च के एंड से जो 1000 रुपए तक का राइज आया था ना, उस राइज का 61% रिट्रेस हो गया। अब ये जो रिट्रेसमेंट होता है ना, ये रिट्रेसमेंट में पहली बार मैं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देख रहा हूँ जिसमें सेलर जो है पावरफुल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि क्वांटिटी एब्जॉर्ब हो रही है। और आज के दिन में कैश में ओपन इज इक्वल टू लो है, फ्यूचर में आप देखिए 801 का लो बना के ऑलमोस्ट 70 तक आ गया, मतलब 10% रिकवर कर गया। मेरा बहुत मानना है आज का लो पिरामल में अगर नहीं टूटता है तो ये स्टॉक सीधा 1000 रुपए के आसपास जा रहा है। देखिए मैं एक बहुत ही सिंपल रीजन में बिलीव करता हूँ, प्राइस रिफ्लेक्ट एवरीथिंग विच इज नोन टू द मार्केट। मेरे हिसाब से आपकी रीजनिंग बहुत ही बेहतरीन है और यू आर वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल गाय जो मैं जानता हूँ, लेकिन समहाउ शायद प्राइस में शायद ये चीज थी। और हमारा तो सर इसीलिए हम 850 का एट द मनी ऑप्शन बाय कर रहे हैं, 50 रुपीज के आसपास मिल रहा है। मुझे लगता है सर इसमें आप कंजर्वेटिव रहिए, और आपका अगर मैं समझू तो मैं इसमें एटलीस्ट 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखूंगा, 50 रुपए में ऑप्शन बाय करिए 850 का, 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। मेरा ऐसा मानना है 100 रुपए तक का टारगेट हो जाएगा। देखिए अगर पैसा जाएगा तो कम जाएगा, अगर आएगा तो बम्पर आएगा, क्योंकि और मैं अपने आप को हेज कर रहा हूँ बजाज फिनसर्व शॉर्ट करके और पिरामल बाय करके। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि ये जो पुलबैक आया ना 1000 रुपए से पिरामल में, वो वेव भी है, वेव सी आएगा और शार्प आएगा। और देखिए मेरा मार्केट पे भी बहुत ज्यादा बैरिश व्यू नहीं है एनर्जी, लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ शो किया था तो वहां से मैं पुलबैक एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि लार्जली इंडेक्स में वगैरह भी पुलबैक दिख सकते हैं, शायद इकोनॉमिक कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है या कुछ इस तरह की चीजें आ जाएगी या कुछ भी आ सकता है, लेकिन मुझे फिलहाल लग रहा है एक पुलबैक ड्यू है सर स्टॉक में, इसके चलते मैं बाय दे रहा हूँ। बट मेरे हिसाब से जो भी बाय करे वो ध्यान में रखे कि रिस्क अवेयर है, तो ऑप्शन के जरिए ही बाय करे। ओके अच्छा, अगर मैं आपको ये पूछूं कि पिरामल शॉर्ट करना ही है तो नीचे में कहां करना चाहिए, क्या टूटने पर, और ऊपर में कहां करना चाहिए, किस लेवल पर आ जाए तब? सर ये बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए मेरे हिसाब से पिरामल एंटरप्राइज का आज का लो जिस लेवल पे बना है ना अनिल जी, मुझे मैं एक चीज देखता हूँ, मैंने क्या किया ओवर द ईयर प्राइजेस को ही लर्न करने की कोशिश की है, और वैसे तो MBA फाइनेंस हूँ, लेकिन मैंने ऐसा माना है कि जी सर नहीं ठीक बात है, एकदम ठीक है, इसीलिए मैंने पूछा कि अगर समझो पहले कोई लेवल टूट जाए वो कौन सा लेवल है जो पहले टूटे तो शॉर्ट करना है, या फिर वो कौन सा लेवल है ऊपर जो जहां पहले पहुंच जाए तो वहां शॉर्ट करना चाहिए, कहीं एक जगह तो करेंगे शॉर्ट करना है तो 800 रुपए के नीचे करना है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है वेव भी हो गया है आज के लो पे, 800 रुपए के नीचे ही शॉर्ट करेंगे तो सेफ ट्रेड होगा। अभी फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 1000 रुपीज। तो पिरामल एंटरप्राइजेस में खरीदारी करने की राय अच्छा हुआ, एकदम सही वक्त पर आई है, नहीं तो शायद मैं अभी शॉर्ट कॉल दे ही चुका होता। 850 रुपए वाला कॉल ऑप्शन कह रहे हैं विश्वेश जी आप खरीदिए, और ये कॉल ऑप्शन का 30 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 100 रुपए का टारगेट। ये कॉल ऑप्शन कितने में मिल रहा है, 850 वाला कॉल ऑप्शन कितने में मिला है, 50 रुपए का? ओके ठीक है। और बजाज फाइनेंस में पुट ऑप्शन खरीदारी करने की राय है विश्वेश जी की तरफ से, वो भी मैं आपके सामने रख दूं, बजाज फाइनेंस में पुट ऑप्शन खरीदने की राय, और बजाज एक बार आपके सामने आ रहा है कि कौन सा पुट ऑप्शन आपको बजाज फाइनेंस में खरीदना है। तो बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, एक में खरीदारी एक में बिकवाली, दोनों ही NBFCs जहां पर विश्वेश जी की राय एक तरफ खरीदारी, 4200 का पुट, ओके ये आपको 4200 का पुट खरीदना है, और ये 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 150 और 200 ये है आपके लिए ऊपर के टारगेट ये है। तो चलिए मुझे वापस से दीप, अभी मुझे फिर से खोज में लगना पड़ेगा कि कोई और खोज करना जरूरी है कि क्या किया जाए। सर आप आशु जी को फोन कर देते थोड़ा, फिर वहां से समर्थन मिल जाता और आपका भी शॉर्ट कॉल चला जाता।
ना 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 ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं ढूंढता हूँ ना, आप चिंता ना करें। बिल्कुल अनिल जी, एक और स्टॉक हमारे लिए लेकर आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, पर वापस दबाव आ गया, 9200 के ऊपर बाजार आने की कोशिश कर रहा था, वापस 9150 पर चला गया। तो जो भी थोड़ी हल्की 30-40 अंक की रिकवरी आती है बाजार पे, वहां पर आप देखेंगे तो बिकवाली का दबाव ही बना हुआ है इस समय, खरीदारी तो बहुत कम शेयर में आपको देखने को मिल रही है। एक एक्टिव स्टॉक जहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। नितिन जी, एस्कॉर्ट्स का चार्ट देखिए, ये हफ्ता अच्छा रहा, काफी अच्छी खरीदारी हुई, आज 5% गिरा हुआ है, डेटा क्या बता रहा है सर इस पर? बिल्कुल नजदीक है और बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। मुझे लग रहा है अगर इस रैली में आपने बाय किया तो प्रॉफिट बुकिंग लेवल है 716-718 काफी अच्छा लेवल है, क्योंकि 740 से 760 के बीच में काफ़ी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो रही है। मुझे लग रहा है ये एक बार 680 की तरफ आना चाहिए, इनफैक्ट 680-660 तक की तरफ आ सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें या फिर अगर सेल पोजीशन बनाते हैं तो 740 का स्टॉप लॉस होगा और 680 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स पर। नितिन जी, आपको किसी कॉल पर अपडेट भी देना था सर? एक नई कॉल मुझे SBI पे देना है और उसके बाद आप PCR ले सकते हो, तो मैं SBI पे पहले कॉल दे देता हूँ। SBI में जो डेटा आज बन रहा है वो काफ़ी वीक साइड बन रहा है, इनफैक्ट तीन बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत नेगेटिव डेटा बना है, सबसे ज़्यादा HDFC बैंक में, उसके बाद ICICI बैंक में और फिर SBI में। तो SBI मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी वीक में 170 की तरफ आ सकता है, तो SBI की क्या तो आप 180 की पुट ऑप्शन ले सकते हैं जिसका प्राइस अभी 6.5 रुपये है, इसका टारगेट करीब 11 रुपये तक हो सकता है और स्टॉप लॉस आप 3 रुपये का रखें। या दूसरी स्ट्रेटजी SBI में आप बियर पुट स्प्रेड बना सकते हैं, यानी 180 की पुट लेकर के 170 की आप पुट ऑप्शन बेच दें तो आपको करीब 2-2.5 रुपये प्रीमियम आ जाएंगे, तो आपकी 4 रुपये की कॉस्टिंग में ये स्ट्रेटजी बन सकती है। समरी यही है कि SBI मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2-3 दिनों में 170 तक आ सकता है, इसलिए इसमें मंदी का व्यू रखते हुए हम कुछ नेगेटिव साइड प्ले कर सकते हैं। ओके, नेगेटिव साइड आप SBI पे प्ले कर सकते हैं, एक बार फिर से स्ट्रैटेजी बताएंगे सर SBI की? देखिए SBI में या तो हम 180 की पुट ऑप्शन नेकेड खरीद लें जिसका प्राइस अभी 6.5 रुपये का है, ये एट द मनी पुट ऑप्शन है, इसका टारगेट 11 रुपये का रखें और स्टॉप लॉस हम 3 रुपये का रखें। ये तो सिंपल स्ट्रैटेजी हो गई। अगर हम हेज करें क्योंकि प्रीमियम्स काफ़ी हैं और अगले वीक एक्सपायरी है तो प्रीमियम का रिस्क होता है, तो 180 की पुट ऑप्शन जो लेनी है वो ले लें और उसके साथ प्रीमियम को हेज करने के लिए 170 की इक्वल क्वांटिटी में हम पुट ऑप्शन राइट कर दें या सेल कर दें, उसमें आपके मार्जिन्स लगेंगे बट आपका रिस्क केवल 4 रुपये का हो जाता है और आपकी सेफ्टी भी अच्छी बन जाती है। और इसमें यही लग रहा है कि 170 तक ये स्टॉक गिर के आ सकता है, तो क्या तो नेकेड पुट लें या बियर पुट स्प्रेड, दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। ओके नितिन जी, मेरे को आपसे पूछना है, आप इतने ऑप्शन की स्ट्रेटेजी क्यों दे रहे हो बैंक्स में, क्या वजह? देखिए बैंक्स में केवल रिलायंस आज होल्ड कर रहा है और जो मार्केट में अभी करेक्शन आई, रिलायंस 8% था अभी 3.5% रह गया, तो रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग हुई और बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें सुबह से ही काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। और आज देखिए, एक तो मंथली एक्सपायरी, अभी तक हम लोग वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते थे बट आज से अपनी ये मंथली एक्सपायरी चालू हो गई है और आज ऐसा दिख रहा है कि सारे जितने निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स हैं उसमें बहुत तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। जैसे HDFC बैंक में आप देखिए 14% का ओपन इंटरेस्ट है, HDFC लिमिटेड में 5%, इन्फोसिस में 13% है, ICICI बैंक में 10%, एक्सिस बैंक में 11% और ये सारे स्टॉक्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग के शेयर्स। तो मुझे लग रहा है ये कहीं ऐसा नहीं हो शॉर्ट पोजिशन बन रही हो और ये लास्ट वीक में प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि, और SBI में भी शॉर्ट पोजीशन 2-3 दिनों से बन रही है, रोलओवर्स भी SBI का शॉर्ट है, तो उस सबको देखते हुए बैंकिंग मुझे काफ़ी वीक लग रहा है। और अगर ये 90-100 के नीचे हम लोग जाते हैं आज, अगर क्लोजिंग मिल गई नेक्स्ट 15-20 मिनट में तो ट्रिगर मिल जाएगा, हो सकता है हम एक्सपायरी वीक में 9000 या 8900 की तरफ जा सकते हैं। ये है आपके लिए राय इन सब स्टॉक्स पर और इस बीच आशु मदान साहब भी जुड़ने वाले हैं, उससे पहले आपके लिए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले साहब के लिए कहा रहा है आपके लिए BTS TT।
बताएं सर। अनिल जी, मुझे मेटल स्पेस में वीकनेस दिखाई देता है और उसमें सबसे ज्यादा वीक स्टॉक है जिंदाल स्टील JSPL, जिसको मैं STBT करने की सलाह दूंगा। जैसे ही इसने 80 के लेवल ब्रेक किए हैं, मेरे लिए एक फ्रेश डाउन मूव की शुरुआत है। 81.50 के स्टॉप लॉस से अभी बेचे 79.20 के करंट भाव से, मेरा 72-73 तक का डाउन साइड है और ये मंडे को पहले घंटे में मिलना चाहिए। 79 पर शॉर्ट करना है, 72 का टारगेट, स्टॉप लॉस क्या बताया? 81.50। ओके वागले साहब, आप सुबह मेरे साथ नहीं आए, दोपहर में जाके आए। सुबह मैंने बोला भी था बैंक्स, NBFC, मेटल्स, आज के लिए ये सिर्फ तीन सेक्टर ऐसे हैं जिनको बेचो। अब फाइनली जाके वागले साहब है ना मेरे रडार पे आते, नहीं मैं वागले साहब के रडार पे आते हुए दिख रहा हूँ। चलिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे रडार पे एक स्टॉक आ रहा है जो होगा कल के 2000, लेकिन उससे पहले अगर आशु सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उन्हें एक STBT कॉल के लिए जोड़ लेते हैं। आशु सर हैं लाइन पर? आशु जी, बिगुल के साथ आपका स्वागत। बताएं सर। अनिल जी, कॉल से पहले एक तो मैं नितिन मुरारका जी का थैंक यू कहना चाहता हूँ। कई दिनों से SBI आइडेंटिफाई करके चल रहा था, वो 182-184 से 90 जाता था, तो आइडेंटिफाई तो था ही कि ये कितनी देर से लगा हुआ हूँ कि इसने नीचे जाना है। तो आज वो 180 मुझे लगता है कन्विंसिंगली तोड़ गया, तो नीचे की तरफ जा रहा है। वो जहाँ जा रहा है अपने छोटे भाई से मिलने, उसका जो छोटा भाई अनिल जी बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक बहुत लंबा ब्रेकडाउन दे दिया है और बहुत स्ट्रांग सपोर्ट टूट गई है इसकी। बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक ऐसा स्टॉक है अनिल जी, जो 50-52 पे ऐसे लगता था कि ये तो रॉक सॉलिड बॉटम है, इससे नीचे क्या जाएगा, और बीच बीच में इतनी कॉल्स के ये लेना है, लोगों को लॉन्ग टर्म लगता है पैकेज आएगा। तो अनिल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लगता है कि अपने छोटे भाई PNB से मिलने की पूरी तैयारी कर चुका है और उसकी जर्नी नीचे की स्टार्ट हो गई है। तो अगर किसी को STBT करनी हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में करनी चाहिए, और नितिन जी वाला कॉल की तो मैं 100% एंडोर्स करता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतने दिनों से अनिल जी बोल रहा हूँ, PSU बैंक ये अभी और जाने हैं सिर्फ पैकेज के लिए। अनिल जी एक चीज और बताइए, अगर अगले 4 दिन तक एक्सपायरी तक कोई पैकेज नहीं आया ना, तो ये जो अगर आया उसके बाद भी आया, तो ये जो होप ट्रेड के लिए सब लॉन्ग बैठे हुए हैं ना, ये और खराब हो जाएंगे। तो बैंक्स को तो पर्टिकुलरली शॉर्ट साइड पे रखना है, PSU बैंक ज्यादा शॉर्ट है, SBI तो मैं इतने दिनों से बोल ही रहा हूँ, और अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत बड़ा सपोर्ट तोड़ दिया है। नहीं अभी कौन सा पैकेज, अभी तो आज हो गया ना सर, आ गई ना खबर, आपने देखी नहीं क्या? अगले हफ्ते देखेंगे, आज तो मीटिंग ही नहीं हुई। हाँ तो बस अनिल जी, वो तो मैं तो कह ही रहा था, वो शेयर आएगा नहीं आएगा देखी जाएगी, सब लोग सोफे पे बैठे हुए हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ अनिल जी, रिस्पेक्टिव स्टॉक्स में ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, इंडेक्स पकड़ के रखे रहेंगे, इसीलिए अनिल जी 93 और 9000 का स्प्रेड है। कई लोग पूछ रहे हैं, अभी जो हमने कल अनिल जी आपको याद है मैंने 20-22 रुपए में बनाया था कल शो में था जी, याद है अभी वो अनिल जी अभी 45 रुपए में बन रहा है, तो अभी उसमें 20 रुपए पर 20 पॉइंट का प्रॉफिट है, लेकिन अभी भी बुक नहीं करना अनिल जी, उसमें 50-60 रुपए मिनिमम मिलेंगे, तो उसको भी तसल्ली से रखना है। अभी मंडे ट्यूसडे में हम बुक करेंगे, वो स्प्रेड चलाना है, क्योंकि निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिख रही। अगर अनिल जी मैं ये बोल रहा हूँ कि 10,000 नहीं जाएगा और जर्नी 8,000 की तरफ है, तो मैं सबको एक बार और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, 8,000 कोई बहुत जल्दी में नहीं आ रहा, धीरे धीरे ग्राइंड करके वो जर्नी होगी अगर उस तरफ जाएगी, तो उसको इसी तरह से पार्टिसिपेट करना है, ऊपर में लेना नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा गिरावट रहेगी। ओके, तो आपको जो समझ में आए वो बेचिए, SBI समझ में आए SBI बेचिए, BOB समझ में आए BOB बेचिए, PNB समझ में आए PNB बेचिए। तो फिलहाल BOB बेचने की राय दी है यहाँ पर आशु जी ने, 46.50 रुपए के आसपास यहाँ पर बिकवाली करने की राय SBI अभी नितिन जी ने दिया। नितिन जी की तरफ से थोड़ा PCR भी आने की तैयारी में है, उससे पहले एक बार जल्दी से बिगुल है ना दीप 2000 के लिए भी हो जाए कि मैं भी कर ही दूं क्या एक काम? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आखिरी 15 मिनट है तो बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं कल के 2000 कौन से हैं। जी सर दीप, जैसा आप तो मेरी आदत जानते ही हैं, जो कि शॉर्ट करने में मैं तो वो स्टॉक ढूंढता हूँ जो हरे निशान में हो, और जब सारी आज NBFC लहूलुहान में हो, तो कुछ NBFC ऐसी क्यों है जो हरे निशान में है, उनमें से एक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। यहाँ पर शॉर्ट करने की राय है SRT, 645-646 के आसपास इसका दाम चल रहा है, इसे आप शॉर्ट कर दीजिए तुरंत प्रभाव से, हरे निशान में शॉर्ट करने का मौका मिल रहा है।
30% ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है आज के सेशन में, और यहाँ पर बेचने की राय इसलिए है दीप कि सेम सिमिलर सिचुएशन जो फ्रैंकलिन वाला मामला हो उसमें जिन जिन कंपनियों पर एक्सपोजर से लिहाज से जिनके जो जिन लोगों ने फ्रैंकलिन से उधार लिया या यूं कहें कि फ्रैंकलिन ने जिनके पेपर्स में इन्वेस्ट किया है उन पर अभी बाजार की नज़र है। 1811 करोड़ का इनका मैच्योरिटी आएगा 26 अप्रैल का सोमवार 26 अप्रैल ही है क्या, हाँ मतलब दो तीन दिन में, आज 24 है 25-26 हाँ तो आ ही रहा है दो दिन बाद, और 10 मई को आ रहा है 900 करोड़ के आसपास का। तो ये सारे मैच्योरिटी वाले जो मामले हैं ना अब ये बड़े इंटरेस्टिंग हो गए आगे डेवलपमेंट देखने वाले, किस लेवल पर रीफाइनेंसिंग होती है, कितने ऊपर की ब्याज दरों में होता है। जो फ्रैंकलिन ने किया वो एक सिंपल चीज़ एक ही चीज़ की है कि भाई मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, मुश्किल हो रहा है, हम ऐसा नहीं कि फ्रैंकलिन के फंड में कोई बॉन्ड्स नहीं है, डिबेंचर्स नहीं, एसेट्स नहीं, सब कुछ है लेकिन लिक्विड नहीं है, और जब लिक्विड नहीं हो तो फिर किसी भी दाम पर शेयर भी बिकता है, किसी भी दाम पर बॉन्ड भी बिकता है। तो मुझे लगता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एकदम परफेक्ट शॉट है। पहला टारगेट 635 का है जिसके बहुत नज़दीक पहुंच गया, न यहाँ पर काटना है न यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, सुनिए न प्रॉफिट बुक करना है न काटना है, आगे के टारगेट सुनिए 620, 610 और 590, ये चार टारगेट हैं जिनके लिए 635 पे आ जाए तो थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस नीचे की तरफ ले आएगा। फिलहाल आपको स्टॉप लॉस 640 का रखना है, 645, 650 की रेंज में अगर ऊपर मिले काटिए आराम से और बेचिए। 635 पहला टारगेट था, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको 2-1 हज़ार रुपये में संतोष है वो उनके लिए उनका टारगेट आ गया, छोड़ दीजिए। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको ये बोल रहा हूँ मंडे के लिए आपको वेट करना चाहिए, 620, 610 और 590 के टारगेट के लिए आपको करना चाहिए। और मैं प्रीफर यही करता हूँ कि जो स्टॉक मजबूत हो, हरे निशान में हो, उसे बेचने का मजा। अगर बजाज फाइनेंस, बजाज सिंडर 8-8% नीचे है तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट को हरे निशान में रहने का हक किसने दिया, ये मेरा सवाल है। बिल्कुल अनिल जी, तो और श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर तो वैसे भी आपके आर्गुमेंट का कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि 1250 से ये स्टॉक आपने शॉर्ट करा है, अब तो आधे उस लेवल पर है, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर बेचने की राय है। अनिल जी 320 हो गए, आपकी स्ट्रैटेजी भी ले लें सर? मेरी स्ट्रैटेजी लें उससे पहले एक जरूरी है दीप की एक बार जल्दी से नितिन जी का PCR ले लिया जाए। जी बिल्कुल बिगुल, नितिन जी के PCR का नितिन जी बताइए सर, कौन सी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है, नई पोजीशन किधर बनानी है PCR पर? देखिए PCR में अभी तक टोटल 5 कॉलें हम लोगों ने लिया डायरेक्शन वाइज, जिसमें से एक TCS में स्टॉप लॉस हुआ, बाकी सारे के सारे डायरेक्शन वाइज सही हो रहे हैं। अब जैसे विप्रो की एक पुट ऑप्शन अभी भी आउटस्टैंडिंग है, इसको भी अभी कैरी करते हैं, मार्केट में डेटा वीक बन रहा है, हो सकता है अच्छा प्रॉफिट अगले वीक में मिल जाए, तो विप्रो की पुट ऑप्शन कैरी करेंगे। 4-5 दिन से इसको कैरी कर रहे हैं, अभी भी कन्विक्शन है कि ये नीचे जाना चाहिए। दूसरा इंफ्राटेल हम लोगों ने कल एक मंदी का व्यू लिया था और आज देखिए 152 के आसपास काफ़ी तेज़ी से गिरा है, 9-10% नीचे है, इसमें अभी थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, इसको भी हमें कैरी करना चाहिए। विक्स ज़्यादा होने के कारण हम स्प्रेड्स प्ले कर रहे हैं इसलिए प्रॉफिट हमें लिमिटेड मिल रहे हैं, बट व्यू के हिसाब से आप कम से कम कॉल से बच जा रहे हो, क्योंकि उल्टे साइड आप ट्रेड करते तो आपको लॉस बहुत हो जाता, तो हम इंफ्राटेल भी इस कैरी करेंगे। और एक ICICI प्रूडेंशियल जिसके रिजल्ट्स आने हैं कल, वो भी आज 9-10% डाउन हो गया, उसका व्यू हम लोगों ने सुबह नेगेटिव लिया था कि डेटा फॉर्मेशन नेगेटिव है, और उसमें भी अभी थोड़ा प्रॉफिट बन रहा है बट उसको होल्ड करना चाहिए क्योंकि हम रेंज काफ़ी अच्छी लेकर के चल रहे हैं। तो तीनों की तीनों पोजीशन जो PCR में हम कैरी कर रहे हैं उसको होल्ड कर लेंगे मंडे के लिए। और चौथा HDFC लाइफ रिजल्ट्स हैं मंडे को इनफैक्ट 3 रिजल्ट हैं, इंडसइंड बैंक, HDFC लाइफ और अंबुजा सीमेंट, तो आज मैं अंबुजा सीमेंट अभी ले रहा हूँ, इसके डेटा क्लियर हैं जो नेगेटिव साइड बन रहे हैं, इसमें हम 1:1 स्प्रेड बनाएंगे, यानी कि हम 460 की पुट ऑप्शन एक ले लेंगे जो 16 रुपये में मुझे मिल रही है, और 430 की हम पुट ऑप्शन एक बेच देंगे जो 5-6 रुपये में ऐसे बिक रही है, तो इसमें मुझे 11 रुपये की कॉस्टिंग आ रही है, यानी 1:1 स्प्रेड बना रहे हैं और हम 11 रुपये का प्रीमियम मार्केट को पे कर रहे हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डेटा जिस तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज का है वो नेगेटिव है, और एचडीएफसी लाइफ गिर करके नीचे 420 की तरफ इस एक्सपायरी में आ सकता है, तो इस पुट स्प्रेड में आपको पैसे अच्छे मिल सकते हैं। 460 की वन एक पुट ऑप्शन लेनी है और प्रीमियम को हेज करने के लिए 430 की एक ही पुट ऑप्शन बेचनी है, 11-12 रुपए की कॉस्टिंग में बनेगी और 430-420 के टारगेट पे आने पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसमें आप रखिएगा, जब भी आपको 4-5 रुपए का नुकसान होने लगे आपके प्रीमियम से तो उस समय आप इसको काट करके निकल सकते हैं। ओके, सो एचडीएफसी लाइफ 460 की पुट खरीदनी है और 430 की पुट बेचनी है, दोनों में 1:1 ही है ना सर ये? जी जी, पहले मैंने जो स्ट्रेटजी शेयर करी थी वो 1:2 की करी थी, बट इंस्टेंट डेटा देख के मैंने व्यू चेंज किया कि 1:2 रिस्की हो सकती है क्योंकि एचडीएफसी लाइफ ज्यादा गिर सकता है, इसलिए इसको मैंने 1:1 में कन्वर्ट कर दिया। तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 1:2, उसको आप 1:1 माने, यानी एक पुट लेकर के एक ही पुट बेचनी है। ओके, एक 1:1 ही आप इसको माने, तो 460 की एक पुट खरीदनी है और 430 की आपको एक पुट बेचनी है। 11 रुपए का प्रीमियम आएगा, 430-420 के जब लेवल्स आप स्टॉक पे देखें तो वो आपके लिए अच्छे प्रॉफिट जोन है। 4-5 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखें उस प्रीमियम पे, यानी कि 6 रुपए के आसपास आप उसका स्टॉप लॉस रखें। ये है आपके लिए नितिन जी का पीसीआर, एचडीएफसी लाइफ के नतीजे आने वाले सोमवार को। अनिल जी के लिए भी बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं कि आखिरी 10 मिनट के लिए स्ट्रैटेजी क्या है। सर, डाउ फ्यूचर्स में बहुत एक्शन हो रहा है, अब 100 अंक ऊपर है, यानी कि जो लेवल एक घंटा पहले था वहां से 100 अंकों की तेजी आई है डाउ फ्यूचर्स में, तो वहां पर थोड़ी बढ़त आती हुई आपको दिख रही है। यूरोप के बाजार निचले स्तर से रिकवर हुए हैं, अब आधे से 1% नीचे हैं, स्टार्टिंग में 1 से 1.5% नीचे थे, तो वहां पर हल्की रिकवरी आई है। तो ग्लोबल क्यूज थोड़े पॉजिटिव जरूर हुए हैं सर पिछले एक घंटे में। वैसे पता नहीं, अब थोड़ा डाउ फ्यूचर ऊपर तो आ रहा है, लेकिन मेरा इरादा थोड़ा सा शॉर्ट साइड पर ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं शॉर्ट करने के लिए सिर्फ ये कहूँगा कि आप निफ्टी पर 9100 का पुट ऑप्शन खरीद कर जाएं। अभी 9165 के आसपास स्पॉट लेवल पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, राइट, 9165 पर आपको 9100 का पुट खरीदना है। 125 से 135 की रेंज में आपको ये मिलेगा, अभी 125 से 135 की रेंज में आपको मिल सकता है। डेटा पॉजिटिव बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, नितिन जी भी ये बता रहे थे। अब ये अलग बात है कि डाउ की वजह से कुछ अलग हो जाए, अलग बात है, ये पिछले 5-7 मिनटों में ही हुआ, लेकिन अदरवाइज डेटा हमारे खराब है। 125 से 135 रुपए की रेंज में आपको पुट खरीदना है निफ्टी का, 9100 वाला, 100 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी कि आपकी 25 से 35 रुपए की रिस्क है, ज्यादा नहीं। और ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा वो 180 से लेकर 220 का, या यूं कहें कि 125 से 225 रुपए की रेंज में आपको ये टारगेट बन सकता है। ये तब होगा जब 9000-9050 के आसपास एक्सपायरी तक ये आप सोमवार मंगलवार को जाते हुए दिखे। तो मुझे बैंक्स, एनबीएफसी, मेटल्स, ये तीनों बहुत कंफर्ट नहीं दे रहे हैं, तो उसमें हो सकता है मेटल्स थोड़े बहुत आपके ग्लोबल मार्केट्स के साथ सुधर जाए तो सुधर जाए, लेकिन बैंक्स और एनबीएफसी जो कुछ ये दिक्कतें दिख रही है इनके लिए सुधरना बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि ये निफ्टी को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, और अल्टीमेटली जो नितिन जी भी बात कर रहे थे कि भाई एक दो स्टॉक मजबूत है और बाकी में डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर आप तेजी करना चाहते हैं स्टॉक्स में तो निफ्टी पुट रखिए साथ में। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते के लिए ये पुट हैंडी है, 30-35 रुपए की रिस्क ज्यादा नहीं है, 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 125 से 135 की रेंज में खरीदिए, 200 से 225 की रेंज टारगेट आपको 9100 पुट की रखनी चाहिए। ठीक है, समझ गए सर। तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से स्ट्रैटेजी, बाजार और कमजोर हो सकते हैं, 9050 के आसपास जब बाजार आएंगे तो इस स्ट्रैटेजी पर आपको अच्छे गेन्स होंगे। आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, चलिए जल्दी से एक बार संदीप ग्रोवर से भी बात कर लेते हैं। संदीप ने एक ब्रोकर्स पोल कराया है और ब्रोकरेजेस और बाकी रिसर्च करी है कि जिस तरह से गोल्ड के फोरकास्ट आ रहे हैं, जो बाकी बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस बता रही हैं, यहां से काफी ऊपर जा सकता है, बल्कि डबल या ट्रिपल भी हो सकता है गोल्ड। संदीप बताइए, क्या रिसर्च करी आपने और गोल्ड के क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं? देखिए दीप, काफी चौंकाने वाले लेवल सामने आ रहे हैं, और इनफैक्ट $1700 का जो लेवल आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, ऑलरेडी 7 साल की ऊंचाई, और यहां से भी और 70-80% की अपसाइड आ सकती है। आप बैंक ऑफ अमेरिका मेलिंग्स देखिए, जो पहले से ही $2000 के टारगेट लेके चल रहे थे, अब उन्होंने जो 18 महीने का लक्ष्य है उसे 2000 से बढ़ाकर सीधा 3000 प्रति ऑन्स कर दिया है। और इनफैक्ट इसमें एक जेफरीज का टेक भी है, उन्होंने तो इनफैक्ट $4200, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं,
$4,200 प्रति ऑन्स के जो लेवल्स हैं वो सुझाए हैं, $1,700 फिलहाल लेवल है। अब इसमें इस तरह तेजी का जो अनुमान आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं उनके खर्च बढ़ते हुए दिख रहे हैं कोरोना की वजह से, और उनके जो वित्तीय घाटे हैं वो लगभग दोगुना होते हुए दिखेंगे। और ज़्यादातर जो सेंट्रल बैंक्स हैं, ये जो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट है वो कह रही है कि वो जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। US जैसे देश या G10 कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक हो सकता है कि जो ब्याज दरें हैं वो 0% यानी कि शून्य के आसपास ही आपको नज़र आती हुई दिखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो जोखिम लेना पसंद नहीं करेंगे और महंगाई के ऊपर हो सकता है कि उनको काबू करने के ऊपर ज़्यादा फोकस आता हुआ दिखे, और आने वाले समय में हो सकता है निवेशकों का जो भरोसा है वो भी कहीं ना कहीं सोने के ऊपर बढ़ता हुआ दिख सकता है। और यही कारण है कि आप देखिए जेफरीज ने 4,200 तक के जो टारगेट्स हैं वो दिए हैं। अब इंटरेस्टिंग इसमें देखना ये है कि जो घरेलू कीमतें हैं, क्योंकि हम $76-75 के आसपास का लेवल हम देख रहे हैं रुपी की जहाँ तक बात है, तो उस लिहाज से अगर आप इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का जो टारगेट है वो 72,000 से लेकर 80,000 प्रति 10 ग्राम के बीच में निकल के सामने आ रहा है। वहीं अगर आप जेफरीज की बात करेंगे तो वो 1,00,000 रुपये के पार भी प्रति 10 ग्राम, जी हाँ 1,00,000 के भी पार जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं जाती हुई दिख सकती है। तो उस लिहाज से देखा जाए ब्रोकर्स अब सोने को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं और उनका मानना है कि आने वाले समय में यहाँ पे जो ट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल, तो जिस तरह से इक्विटी बाजार में वॉलेटिलिटी आ रही है और एक सेल ऑफ का खतरा वापस आता हुआ दिख रहा है, उसी तरह हम देख रहे हैं कि गोल्ड में खरीदारी आ रही है। हालांकि 1700-1750 के बीच में ही रहा है गोल्ड, पर फिर भी जो दिग्गज ब्रोकर्स लक्ष्य लगा रहे हैं यहाँ से काफी ऊपर जा सकते हैं। भारतीय बाजार में पिछले एक महीने में कई बार हमने देखा है नए रिकॉर्ड बनाए हैं जहां तक गोल्ड का सवाल है। आखिरी एक मिनट बाकी है ट्रेड का, चलिए देख लेते हैं कि आज कैसा रहा एक्शन। संदीप बहुत बहुत शुक्रिया गोल्ड पर अपनी रिसर्च बताने के लिए। निफ्टी स्टॉक्स के देखें तो एंड में रिलायंस में भी थोड़े बिकवाली का दबाव आया, हालांकि फिर भी 4% की तेजी के साथ ही बंद हो रहा है, पर दिन की ऊंचाई से लगभग 50 रुपए की गिरावट आपने रिलायंस में देखी, 4% की तेजी के साथ बंद हो रहा है। फार्मा और FMCG यहां पर खरीदारी देखने को मिली। ब्रिटानिया में एक बार फिर से अच्छी तेजी थी, 3.5% 3050 पर पहुंच गया ये स्टॉक। सिप्ला और सन फार्मा में खरीदारी देखी। हीरो मोटोकॉप संजीव भसीन साहब के 1940 के टारगेट आ गए, वहां से थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर हुई, और एक बार फिर L&T में एक्शन आपको दिखा, ब्रोकरेजेस का यहां पर भी सहारा हुआ। पर दूसरी तरफ देखें तो तेज गिरावट के साथ बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही गिरे हैं। बागले साहब ने तो स्टार्टिंग में ही बजाज फाइनेंस पर शॉर्ट कॉल दिया था, बजाज फिनसर्व पर भी शॉर्टिंग की स्ट्रैटेजी आई है विश्वेश से। भारतीय इंफ्राटेल नतीजों के दम पर 8% की गिरावट यहां पर देखें। हिंडाल्को बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आया 6% का। एक्सिस, ICICI नतीजों से पहले इंडसइंड, HDFC बैंक, SBI इन सभी स्टॉक्स पर भारी गिरावट देखने को मिली। और आप एंड में देख रहे हैं कि क्लोजिंग के लिहाज से अनिल जी 600 अंक से ज्यादा आप बैंक निफ्टी पर गिरे, तो यानी कि जितनी कल की तेजी थी वो भी गिरी और उसके साथ 100 अंक नीचे और गिरे आप, और निफ्टी पर भी 150 अंक की गिरावट। हालांकि जो सुबह आपने एग्जैक्ट लेवल बोला था सर ओपनिंग का 9175, वहीं पर खुले और वहीं पर बंद हो रहे हैं जो सुबह का लेवल था सर। घूम फिर के वहीं आ गए, मतलब जहां ओपनिंग हुई थी वहां से नीचे गिरे, बड़े फिर गिरे, फिर बड़े बंद वहीं हो गए जहां से खुले थे एकदम। और एक्चुअली बैंक निफ्टी भी वहीं खुला था 19,650-19,700 के आसपास, तो घूम फिर कर ये भी वहीं आ गया, तो क्लोजिंग वहीं हुई है जहां ओपनिंग हुई थी, लेकिन हुई है कमजोर ही। सेंसेक्स भी 500 अंकों से ज्यादा कमजोर होता हुआ दिखा है, तो ये आज के लिए आपका कमजोरी वाला रुझान रहा। आज शाम 6 बजे का कार्यक्रम क्या है वो पहले मैं आपको बता दूं। कोरोना के खिलाफ भारत की ओर से उठाए गए कदम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए हैं, लेकिन भारत में ही महाराष्ट्र के आंकड़े ऐसे हैं कोरोना के मामले में जो पूरे देश को डरा रहे हैं, और उसमें भी हमारी मुंबई, आमची मुंबई, यहाँ पे दिक्कत और भी ज्यादा है, यहाँ मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है, आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज की चर्चा इसी बात पर हो रही है कि ऐसा क्या हुआ है मुंबई में कि सबसे ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित यहीं पाए जा रहे हैं। क्या मुंबई की अपनी वजह है या यहाँ के लोग डिसिप्लिन नहीं है, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, और इससे बचना कैसे, इन्हीं मुद्दों पर होगी खास बातचीत आज शाम 6 बजे। आपकी खबर आपका फायदा में जरूर देखेगा। कोरोना महामारी मुंबई पर भारी, तो मुंबई सेंट्रिक स्पेसिफिक शो आपको लग रहा होगा, लेकिन ये पूरे देश के काम का है कि मुंबई में जो कुछ हो रहा है वो पूरे देश में कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये है आपके लिए आज शाम का 6 बजे का शो, तो चलिए इस शो पर रखिएगा नज़र। लेकिन फाइनल क्लोजिंग आ गई है मेरे ख्याल से, नहीं आनी बाकी है, फाइनल क्लोजिंग आने का मैं इंतज़ार करूँगा। तब तक एक चीज़ और आपको बता दूँ कि वीकेंड पर आप
ढेर सारे प्रोग्राम बनाते होंगे, लेकिन अभी चूंकि लॉकडाउन का वक्त है तो आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए, वो ये कि कोई ना कोई एक स्किल वाला काम आप इस वीकेंड पर जरूर डेवलप करें, ताकि आपको लगे कि हमने जब लॉकडाउन का समय था तब बड़े मजे लिए। आइए, फाइनल क्लोजिंग आ गई है और फाइनल क्लोजिंग मैं आपके सामने रख देता हूँ कि कहाँ पर आती हुई दिख रही, 9175 ही दिख रही, 9174 ये है आपके लिए फाइनल, 9172 63 64 54 ओके हो गया सेटल, सेटल होते होते नीचे नीचे 9154 दीप, ये है फाइनल क्लोजिंग 159 अंकों के नुकसान के साथ और 681 अंक नीचे बैंक निफ्टी आपके लिए क्लोज होता हुआ दिख रहा है, ये है क्लोजिंग। विदा लेने का वक्त है, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुमित जी का भी धन्यवाद और जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, तो आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए भी और वक्त निकालने के लिए भी।